बोलो सर, मेरा साउंड आ यस रहा है क्या? ओके यस सर। ओके ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो बेसिकली कंपनीज एक्ट, हाँ सर, कंपनीज एक्ट 2013, ये कंपनी लॉ का क्लास है। कंपनी लॉ के नाम से जाना जाता है, कॉरपोरेट लॉ भी बोलते हैं सर, ठीक है। तो ये कंपनी लॉ या कॉरपोरेट लॉ के अंदर सर आज ना कुछ बेसिक चर्चा करना है। ऐसे प्रीवियस जो क्लासेस चल रहा था लास्ट वीक, थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ के कारण मैं नहीं ले पाया था, तो वो टॉपिक आई होप आप सबको याद होगा, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम लोग कंपनी मीटिंग, जनरल मीटिंग, वोटिंग, प्रॉक्सीज, ये सब डिस्कस कर रहे थे ना सर, कि कंपनी कैसे वोट करते हैं, कंपनी में किस तरह से जनरल मीटिंग कॉन्डक्ट होता है, जनरल मीटिंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन था, बट काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। याद है क्या आप लोगों को? बताओ ना सर, कंपनी मीटिंग वगैरह याद है? हेलो, अरे कम से कम इतना तो बताओ कि याद है कि नहीं। किसी को याद नहीं क्या? मुझे किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। तो जिन लोगों ने क्लास किया था कम से कम उसे तो याद होना चाहिए, जिन लोगों ने वो टॉपिक नहीं किया मैं उनको नहीं पूछ रहा हूँ। सर ये टॉपिक भी डिस्कस हो रहा था ना। हेलो, क्या आप लोगों को मेरा आवाज प्रॉपरली आ रहा है सर? बोलो ना, आज ऐसा लग रहा है कि यस सर। लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है ना। तो ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग प्रीवियस चैप्टर में बात कर रहा था, काफ़ी सारा डिस्कशंस किया यहाँ पर, जिसमें डोंट वरी, जिन लोगों ने नहीं किया वो बाद में करेगा। इसमें हम लोगों ने सर कंपनी लॉ के अंदर कंपनी मीटिंग कैसे होते हैं, एनुअल रिटर्न के बारे में बात, रजिस्टर्स के बारे में बात किया, कोरम, चेयरमैन, वोटिंग, रेजोल्यूशंस कैसे लेते हैं, अलग अलग मीटिंग कैसे करते हैं, ये सब चर्चा की है सर, ठीक है। डोंट वरी, जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं बस इतना कहूंगा कि सर बाद में जब ये चैप्टर फिर से कराऊंगा तब कर लेना, या फिर मैं आप लोगों को बाद में क्लासेस ये सब शेयर भी करूंगा। आज थोड़ा बेसिक डिस्कशन करना है। अच्छा, और एक बात, जिन लोगों ने ये चैप्टर कर लिया है ठीक है, उनको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के एंड पे आपको मैं नोट शेयर कर दिया सभी से जिनके पास है, चैप्टर के एंड पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी समझ सकते हो, कि जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ है जो बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस है सर, ठीक है। प्रैक्टिस करने से पूरा सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू भी हो जाता है, पूरा सब जो टॉपिक है ये टॉपिक भी गो थ्रू हो जाता है, और साथ में पूरा जो सेक्शंस है, स्पेशली ये सेक्शन 88 से लेके 122 का एरिया कवर किया गया है। तो बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा चैप्टर को पढ़ने के बाद जिन लोगों ने क्लास किया प्लीज़ एक बार ओवरऑल गो थ्रू करें, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर ज़रूर पढ़े ताकि आपको सुविधा हो, स्पेशली इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल में जो क्वेश्चंस वगैरह आता है उसके लिए, स्पेशली इंटर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल का बात करूंगा, ठीक है। तो ये मेनली कंपनी का ये मीटिंग वगैरह का डिस्कशन था। एंट्रेंस लेवल में थोड़ा बहुत मीटिंग से सवाल कर लेते हैं, तो जो लोग एंट्रेंस के भी प्रिपरेशन के साथ कोई कोई है उन लोगों को भी बता दूंगा, बस वो मीटिंग वगैरह का एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, बस बाकी और कुछ नहीं। तो सर अभी क्या कहना है? सर अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग चलेंगे सर डेफिनेशन एरिया में, ठीक है। सर ये डेफिनेशन क्या है? सर एकदम प्रिलिमिनरी चर्चा है, आज कंपनीज एक्ट में प्रिलिमिनरी चर्चा करेंगे। प्रिलिमिनरी इन द सेंस सर, प्रिलिमिनरी इन द सेंस बेसिक चर्चा कि कंपनीज एक्ट क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो कंपनीज एक्ट में काफ़ी सारा चीज़ कवर करना है, तो इसलिए मेरे को लगा कि एक बार ना आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जो डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ना पड़ेगा उसका एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना डिफरेंट डेफिनेशंस, ठीक है, कंपनीज एक्ट के एप्लीकेशन एरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, ठीक है, कमेंसमेंट क्या है, सब बताऊंगा सर धीरे धीरे। आज का डिस्कशन मैं इसी पे रखा हूँ, ठीक है। ऐसे तो अगर आपको मैं कंपनीज एक्ट का जो जर्नी है, थोड़ा लंबा जर्नी है सर, जिसके अंदर जैसे आज मैं आपको थोड़ा प्रिलिमिनरी एरिया में बात करूंगा, लेटेस्ट में सर मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था, थोड़ा सा फ्लो में था, ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काफी लंबा डिस्कशन किए थे सर, जिसके अंदर
एक्चुअली किसी किसी का ये मीटिंग का बहुत ज़रूरी डिस्कशन चाहिए था, तो मैंने सोचा था कि इसको करा देते हैं, तो इसलिए करा दिया था। तो उसमें कंपनी मीटिंग, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल मीटिंग, ये सब डिस्कशन इसके अंदर हुआ है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन लोगों ने अभी नहीं किया बाद में करेगा। अच्छा, तो अभी आगे आगे क्या चर्चा होगा कंपनीज एक्ट में, बस आपको मैं एक बार याद दिला दूँ। जैसे आज मैं आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या प्रिलिमिनरी चर्चा करने वाला हूँ, फिर आगे आगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड कंपनी कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बात करना है, कि एक कंपनी कैसे फॉर्म होता है एंड फॉर्मेशंस के टाइम पे क्या क्या मतलब लीगल मैटर आता है। जैसे आप लोग एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोगों के पास लोग आएंगे और बोलेगा कि कंपनी बनाना है ना सर? आप लोगों के पास जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, लोग आके बोलेगा कि भाई मेरा कंपनी बनाना है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ है बताओ। तो ये सब चर्चा सर चलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में, मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके बाद प्रॉस्पेक्टस, जैसे शेयर मार्केट में कंपनी आता है ना, तो उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, सिक्योरिटी अलॉट करना होता है इसका, जो आप लोग अकाउंटेंसी में कर किए होंगे सर। ठीक है, ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, हाँ, कंपनी जब शेयर अलॉट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन का सम्स करते हो ना सर, स्कूल लेवल में ही करते हो? हाँ सर, वो स्कूल लेवल में कंपनी अकाउंट्स होता है, वहाँ पर ही लोग करते हैं सर। तो उसी का पूरा लीगल मैटर्स इसके अंदर, प्रॉस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो मैं ऑलरेडी हाल फिलहाल में करवाया, डिविडेंड के बारे में बात करना है, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात करना है, डायरेक्टर्स के बारे में बात करना है, डीन के बारे में बात करना है। ठीक है, डीन, डायरेक्टर्स, बहुत सारा चर्चा है सर। ठीक है, बहुत सारा मैटर में बात करेंगे, तो आगे आगे ये सब चर्चा जारी रहेगा। बट बिफोर दैट आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप आज के क्लास में फोकस करो, ठीक है, ताकि आगे का सारा कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर प्रीलिम एरिया में, और ये प्रीलिम एरिया में आपको मैं शॉर्ट एक्सटेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर, कैसा? तो ध्यान से सुनिए सर, ये इस पर्टिकुलर प्रिलिमिनरी या बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपको क्या बताते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शंस है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है, बहुत वाइटल है सर। यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पूरा कंपनीज एक्ट को समझने के लिए ना, पूरा कंपनीज एक्ट के अंदर जब हम लोग आगे आगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, तो ये सब डेफिनेशंस बहुत काम आएगा, ये सब छोटा छोटा पॉइंट बहुत काम आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये चैप्टर एक बार करा देता हूँ। ऐसे जो लोग बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ पहले किए हैं उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का जो डिस्कशंस होता है, जो नॉर्मली मैं फाउंडेशन लेवल में रखता हूँ, वहाँ पर भी ये सब चर्चा होता है। लेकिन मैं सोचा कि एक बार डेफिनेशंस को भी इसके अंदर, मतलब आज के क्लास के अंदर जो नॉर्मली फाउंडेशन का स्पेशलाइज चर्चा रहता है, बट इंटरमीडिएट एग्जीक्यूटिव लेवल में भी ना बहुत वाइटल होता है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा के साथ ये चर्चा रहेगा सर। ठीक है, जिसमें फाउंडेशन वाला कुछ पॉइंट्स भी आएगा, और साथ में फाउंडेशन वाला पॉइंट के साथ साथ मतलब लेटेस्ट जो मतलब इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा सा गहराई में अगर कुछ पॉइंट्स है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत वाइटल है, तो वो भी चर्चा करना है। ठीक है, जैसे नॉर्मली सीए फाउंडेशन लेवल में कंपनीज एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बेसिक्स में बात किया गया है, सीएस एंट्रेंस के अंदर भी बात का किया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सभी का काम आ जाएगा और प्रिलिमिनरी नॉलेज को भी एक बार ब्रशअप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ऐसे ग्रीन आधा ग्रीन, देखो, टू नो अबाउट द एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, नो अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट एंड गेन फैमिलियरिटी विद द डेफिनेशन क्लॉजेस गिवन इन दिस एक्ट। मतलब क्या है कि ये जो पूरा कंपनीज एक्ट है, इस कंपनीज एक्ट का जरूरत क्या पड़ गया, ठीक है, इसका एप्लीकेशन एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है कंपनीज लॉ को, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर कंपनी सेक्रेटरीज, इवन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फॉर लॉयर्स, फॉर कॉस्ट अकाउंटेंट्स, आज के डेट में कंपनीज एक्ट के बारे में सब कोई बात कर रहा है, सब कोई, मतलब कंपनीज एक्ट का नॉलेज इतना वाइटल हो गया है, क्योंकि हमारे देश में बिजनेस इतना डेवलप कर रहा है और कंपनी इतना ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली करेंट प्राइम मिनिस्टर जो है ना सर, करेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ, वो कितना कर पाया है ये डिफरेंट आर्गुमेंट है, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि कंपनी करेंट जो प्राइम मिनिस्टर्स है,
करंट जो गवर्नमेंट है वो इतना तो जरूर चाहता है कि हमारे देश में बिजनेस डेवलप हो, चाहता है, लेकिन कितना वो कन्वर्जन कर पा रहे हैं इसको लेके क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। लेकिन इतना मैं बोलूंगा कि वो चाहता है कि भारत में बिजनेस एनवायरनमेंट बने, भारत में न्यू न्यू कंपनीज बने, ठीक है, न्यू न्यू स्टार्टअप कल्चर बने। इस बार का बजट के लिए वेट करो सर, तो 1 फरवरी को बजट है, बजट का भी एक स्पेशल क्लास रखेंगे, ठीक है, तो मैं बात करूंगा आप लोगों से बजट में कि गवर्नमेंट क्या न्यू विजन रख रहा है। ऐसे जानते हो ना एवरी ईयर फरवरी में बजट आता है और उस बजट के साथ अगला 5 साल का टारगेट फिक्स करके चलना पड़ता है कि कंट्री आगे कहाँ जाएगा। तो बिजनेस के बारे में भी न्यू न्यू खबर मेरे को ऑलरेडी मतलब थोड़ा बहुत कान में आ रहा है कि गवर्नमेंट कुछ करना चाहता है बिजनेस एरिया में। ठीक है सर, वो सब चर्चा जब बजट आएगा तो बात तो करना ही है। लेकिन ये कॉरपोरेट लॉ या कंपनीज एक्ट जो 2013 में रिफर्बिश्ड किया गया, आप इतना समझो कि इससे पहले पुराना कंपनीज लॉ था जिसको 1956 कंपनी लॉ के नाम से जाना जाता है, 1930 का भी, 1913 का भी एक था, ठीक है, लेकिन ठीक है वो ब्रिटिश पीरियड में नहीं चलते हैं। ये 2013 एक्ट आने से पहले 1956 का एक्ट हुआ करता था। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे ना सर, तब 2013 एक्ट नहीं आया था, ठीक है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के टाइम पे आया था, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग 1956 एक्ट पढ़ के ही बड़े हुए हैं सर। तो उन दिनों 1956 पढ़ना पड़ता था, लेकिन सर 2013 के बाद से सबको 2013 एक्ट पढ़ना पड़ता है और कंपनीज लॉ में काफ़ी बदलाव भी लाया गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है बट बिजनेस के लिए काफ़ी सारा चेंजेस एंड बदलाव लाया गया जो बिजनेस लेवल को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनी जो चलता है ना हमारे देश में उसका ओवरऑल रूल्स रेगुलेशंस एंड वन सेंटेंस बोलूँ ना सर, कॉरपोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कंपनीज लॉ कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और करेंट जो कॉरपोरेट कल्चर बन रहा है हमारे देश में उसको मैनेज करने के लिए कंपनीज एक्ट में इतना ज़्यादा मतलब आजकल इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इसलिए हर कोई बात करता है कॉरपोरेट लॉ का, मतलब चार्टर्ड तो बात करते ही हैं, सीएस वाले तो है ही इसको लेके बात करने के लिए, मतलब इनको स्पेशल काम दिया जाता है कि भाई आप कॉरपोरेट गवर्नेंस को देखो, 2000 कंपनीज एक्ट के ऊपर काम करो, ठीक है, सीएस को तो स्पेशली यही काम के लिए ऐसे बनाया गया, मतलब बनाया था ना, मतलब भगवान ने किसी किसी काम के लिए किसी किसी को बनाते हैं, तो ऐसा ही सीएस को तो कॉरपोरेट चीज देखने के लिए ही बनाया गया, ठीक है, बाकी चार्टर्ड सीएमए लॉयर्स भी तो काम करते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट टू कॉन्सोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, इसीलिए मैं इतना ज्यादा बात कर रहा हूँ। द लेजिस्लेशन वॉज नेसेसिएटेड टू मीट द चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आप समझ रहे हो ना, ये जो लेजिस्लेशन 2013 कंपनीज एक्ट में बदलाव लाया गया इसके पीछे मेन रीजन रखा जा रहा है सर नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, ठीक है, कि पूरा दुनिया भर में बिजनेस सिनेरियो में बदलाव ला रहा है, ठीक है, बदलाव आ रहा है, ठीक है, और ऐसे सिनेरियो में इंडियन कंपनीज एक्ट को भी एक्ट पार होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री का पार्ट बने, ठीक है, मतलब हमारा कंट्री भी एक प्रॉपर नियम के साथ इकोनॉमी को ग्रो कर पाए। प्रॉपर नियम, ये लॉ क्या है, लॉ का मतलब क्या होता है सर, लॉ का मतलब नियम होता है ना, अरे बोलो ना, अगर किसी के परिवार रूल्स में, रेगुलेशन हाँ सर, लॉ का मतलब होता है नियम कानून रूल्स रेगुलेशन, अगर किसी की फैमिली में अच्छा रूल्स रेगुलेशंस है, बात को समझिए सर, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस क्यों इतना जरूरी है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी लॉ क्यों इतना जरूरी है। सर क्या बात करते हो, हाँ सर, जैसे अगर मानो किसी के फैमिली में, सर आप अपने फैमिली में भी देख सकते हो, आपके दोस्त के फैमिली में भी देख सकते हो, आपके रिलेटिव्स के फैमिली में भी देख सकते हो, अब देखना, अच्छा देखो सर, रूल्स रेगुलेशंस का मतलब ना मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, पॉइंट टू बी नोटेड ना, रूल्स रेगुलेशंस का मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो हम लोग गलत सोचते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को रेस्ट्रिक्शन समझ लेते हैं, दोनों अलग बातें हैं सर। रेस्ट्रिक्शन तो वो होता है कि आपको गलत काम करने से रोकने के लिए, ठीक है, ताकि आप गलत काम ना करो। तो अगर फैमिली में प्रॉपर रूल्स हैं, ठीक है, जैसे एक सिंपल चीज बोलते हैं, जैसे मैं अगर मैं अपने फैमिली से ही दो चार बातें आपको करूं जो मुझे लगता है कि बचपन में ये मेरे साथ अच्छा हुआ है, जैसे पेरेंट्स ऐसे बोलते थे सर बचपन में, सिंपल अपने ही लाइफ से बता रहा हूँ आपको, आप लोगों का भी अपना अपना होगा, ठीक है, जैसे पेरेंट्स ऐसे बताते थे कि मैं लड़का था ऑब्वियसली, तो एज ए लड़का, जैसे बहन भी थे,
अभी भी मतलब बहन को भी बताया जाता था, बट एज ए लड़का भी मुझे भी सुनना पड़ता था कि शाम को 7 बजे के बाद बाहर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, किसी के साथ अड्डाबाजी नहीं करना चाहिए, मतलब 7 PM हो गया चुपचाप घर में घुसो, या फिर ट्यूशन है तो ट्यूशन जाओ घर में, अगर ट्यूशन नहीं है तो घर में पढ़ो, ठीक है सर, ये तो सिंपल नियम है। लेकिन सर आजकल तो ये सब नियम भी कोई नहीं मानता, साथ क्या 11 बजे तक भी स्कूल का बच्चा पार्टी कर रहा है मुझे समझ में नहीं आता कि रात को 11 बजे स्कूल का बच्चा क्या कर रहा है रास्ते में, चाहे वो 11 में पढ़ता हो 12 में पढ़ता हो, हाँ बिना कारण का घूम रहा है, क्या चल रहा है, समझ रहे हो सर, इसको बोलते हैं ओवर इंडिपेंडेंस, मतलब इतना भी स्वाधीनता का जरूरत नहीं है, मिस यूज ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के नाम पे और कुछ नहीं बदमाशी चल रहा है। अब क्या है ना, रूल्स रेगुलेशंस खत्म हो रहा है फैमिलीज के अंदर, वैल्यूज खत्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपना वैल्यूज भूल गया है, तो बच्चा भी भूल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है सर, सर आप तो डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, नहीं सर डायरेक्ट हिट नहीं, समाज को देखो समझ में आएगा, अगर एक फैमिली को समझोगे तो कंपनी को भी समझ जाओगे, जैसे फैमिली का मतलब भी होता है ना कंपनी, हाँ सर, कि फैमिली भी कंपनी होता है साथ, कंपनी का मतलब क्या साथ, हाँ तो एग्जैक्टली बिजनेस की कंपनी क्या है वो भी साथ, तो कंपनी और फैमिली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कंपनी चलाने के लिए भी एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक जैसे एक फैमिली के लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं। बचपन में हमें थोड़ा खराब लगता है, एक बार ऐसा हुआ था सर, क्लास 9 में पढ़ते थे और एक न्यू ट्यूशन ज्वाइन किया था साइंस का, तो ज्वाइन करने के नेक्स्ट दिन ही ट्यूशन में ना पिकनिक था दोस्तों का, और ट्यूशन टीचर्स भी बोला था कि पिकनिक करेंगे तो आ जाना, तो चंदा भी दे दिए थे जो देना पड़ता है पार्टी पतप जो भी भाग में आता है, तो पिकनिक कर लिए, फिर रात को वापस घर आए सर, आते आते कहीं कुछ नहीं गए थे सर, पिकनिक में ही जो ट्यूशन सर है उन्हीं के घर में पिकनिक हो रहा था, लेकिन मेरे को घर आते आते नॉर्मली 9 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए ट्यूशन खत्म करके, मेरे को पहुंचते 11 हो गया, पापा आया था कोलकाता, वापस जाके देखा पापा का ट्रेन 10:30 बजे गाँव में रेच करता है, पापा जाके देखा कि 11 बज गया अभी तक मैं घर पे नहीं हूँ, मैं क्लास 9 स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ सर, आने के बाद मेरे को इतना मार पड़ा, मैं क्या बताऊँ, मतलब रीजन कुछ नहीं सुना, क्या है क्यों नहीं है कुछ नहीं सुना, बस मार पड़ा सर। लेकिन एक चीज मुझे जब मैं खुद बड़ा हुआ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना चालू किया, मुझे उस दिन उसके उस दिन बहुत खराब लगा था, घर में रिलेटिव्स भी थे, रिलेटिव्स के सामने मार पड़ा था, खराब लगा था, आज भी खराब लगता है, लेकिन एक चीज मेरे को सीख लिखा था कि हाँ ये चीज भी जरूरी है, मारना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी ज्यादा है, लेकिन ये चीज मुझे समझ में आया था कि अच्छा मेरे को तो घूमने में मना नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत रूल्स रेगुलेशंस मानना पड़ता है, अगर नहीं मानेंगे ना तो लूट जाएंगे, और वो चीज वैल्यू सिखाते हैं, तो एक्चुअली लॉ भी कंपनी को भी इसी तरह से वैल्यू सिखाने के लिए काम करते हैं, मतलब लॉ ना कोई आसमान से टपका और खजूर पे लटका टाइप नहीं है सर, कि जबरदस्ती बना दिया, अपने हद में रहो, कुछ समझ में आ रहा है सर आपको बात, मतलब कोई भी लॉ पढ़ो आप, कोई भी लॉ पढ़ो, चाहे कंपनी लॉ पढ़ो, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ो, बिजनेस लॉ पढ़ो, जुरिस्प्रूडेंस या जनरल लॉ पढ़ो, या फिर आप इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉ पढ़ो, बहुत सारा लॉ का क्लास होता है, स्पेशली CS का तो लॉ भर्ती है, मतलब बहुत ज़्यादा, CA भी अच्छा खासा बिजनेस एंड कंपनी लॉ जनरल मतलब नॉलेज गैदर करता है, CMA को भी बिजनेस लॉ, कॉमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कंपनी लॉ अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, कोई भी लॉ पढ़ो, हर लॉ का एक ही ऑब्जेक्टिव है, हद में रहो, बात कुछ समझ में आ रहा है सर, अपने हद में रहो, तो ये कंपनीज को भी अपने हद में रहने के लिए ये रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया है, और उस रूल्स रेगुलेशंस को बनाने के लिए क्या मेहनत और मशक्कत किया, चलो देखते हैं, लॉ को पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, पढ़ने के समझने के साथ साथ जरूरत पड़ने से तो रट भी लेंगे, और क्या काम है सर, सर समझ में आ रहा है बातें, हाँ अरे बोलो बातें, ये क्या समझ में आ रहा है यस सर, यस तो लॉ और कुछ भी नहीं, हद में रहने यस का तरीका है ना, तो ये कंसोलिडेटेड एमएनटी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, द लेजिस्लेशन वाज नेसेसिटेड टू मीट चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अच्छा, हद में रहना ही सिर्फ नहीं है, जैसे अगर मानो कि बचपन में मुझे ये सीख नहीं मिलता तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन क्यों जरूरी होता है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ ज्यादा मौज मस्ती में क्या होता है ना,
आपका ग्रोथ रुक जाता है, आपका जो ट्रैक है ना पटरी से, ट्रैक ट्रैक से आपका जो पटरी है वहां से ना आपका जो डब्बा है ना वो हट जाता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि आपका जिंदगी का जो नैया है ना वो आगे जाके तकलीफ में पड़ता है। एग्जैक्टली कंपनीज लॉ भी कुछ इसी तरह का काम कर रहा है। देखो अगर लॉ प्रॉपर बनेगा तो बिजनेस एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सही रहेगा और बिजनेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी चीज, अल्टीमेटली बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो ग्रोथ तो इकोनॉमी का ही होगा, और इकोनॉमी का ग्रोथ होगा तो कंट्री मैन का ही अच्छा होगा ना। तो बस वही बात है। तो माँ पापा भी बच्चे के अच्छे के लिए बोलता है कि बेटा ये मत करो वो मत करो, वो बात अलग है कि हम लोगों को थोड़ा गुस्सा आ जाता है बचपन में। कंपनीज एक्ट 2013 रिसीव द एसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। ये कौन है सर? सर द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, फादर भी बोल सकते हो आप, देश का पापा जैसा। ठीक है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 29 अगस्त 2013 को नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑन 30 अगस्त 2013 फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन स्टेटिंग दैट डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 थ्रू नोटिफिकेशन। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये एसेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मिला 29 अगस्त में। ठीक है, एंड उसको नोटिफाइड किया गया ऑफिशियल गेजेट में, गवर्नमेंट का जो जहां पर जहां से गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन बाहर निकलते हैं 30 अगस्त 2013 को। ठीक है, और सेक्शन वन जो है, सेक्शन वन पहला जो सेक्शन है वो फर्स्ट टाइम एनफोर्स किया गया, केम इन टू फोर्स ऑन 30 अगस्त 2013 को। तो स्टार्टिंग में 98 सेक्शन केम इन टू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2013, एकदम स्टार्टिंग थोड़ा पुराना कहानी है। 2013 के स्टार्टिंग में 98 सेक्शंस 12 सितंबर तक आया, 143 सेक्शंस वर एनफोर्स्ड ऑन 1 अप्रैल 2014। कंपनी से लॉ का इतिहास बता रहे हैं सर थोड़ा, 2013 कंपनी लॉ का इतिहास कैसे आया। एंड इसी तरह से धीरे धीरे बाकी जो सेक्शंस है उसको भी रूल्स रेगुलेशंस को सेक्शन के थ्रू से लाया गया। कंपनीज एक्ट 2013 रूल्स बेस्ड लेजिस्लेशन है, एक रूल्स बेस्ड लेजिस्लेशन है विथ 470 सेक्शन है इसके अंदर एंड 7 शेड्यूल है सर इसके अंदर, कितना 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, पूरा पूरा का पूरा कंपनी लॉ को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया कर दिया गया। ईच चैप्टर हैज एटलीस्ट वन सेट ऑफ रूल्स, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ तो एक ना एक रूल्स तो जरूर होगा, एटलीस्ट एक रूल्स। द कंपनीज एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आप समझो सर कंपनी लॉ को क्यों लाया गया, इसको लाने के पीछे सबसे बड़ा वजह है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ठीक रखना। मतलब आप इसमें, और इसके लिए एक पर्टिकुलर एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाता है जिसमें आप लोग भी हो सर, बहुत लोग सीएस का स्टूडेंट्स, ये कोई कोई सीएस सीएस एक साथ भी कर रहा है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का जो पढ़ाई है ना, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो चलाते हैं, उन्हें स्पेशली 1980s एक्ट में लाया गया सर ताकि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन कर पाए। 1980s एक्ट में ICSI को बनाया गया, CS एक्ट लाया गया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए काम करना चालू हुआ, क्योंकि कंपनी देश का इकोनॉमी का पिलर है और इकोनॉमी का पिलर सही तरह से चले उसको देखने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, जैसे देश को चलाने के लिए देश का गवर्नेंस, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उसी तरह कंपनी को देखने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, हाँ तो रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया गया जो पुराने लॉ में प्रॉब्लम था। एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यस ये बहुत जरूरी था। ये सब चीजें आपको कंपनीज लॉ का आगे का चैप्टर्स पढ़ते हुए समझ में आएगा। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सर कंपनी का बात कर रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ा जगह लेता है। सर इन्वेस्टर्स का नाम क्यों ले लिया आपने, शेयर मार्केट का खुशबू आ गया। सर क्या करें, शेयर मार्केट ही तो है जो इकोनॉमी को फंक्शन करके रखता है। हाँ सर, तो शेयर मार्केट से ही आपको इन्वेस्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों शेयर मार्केट बोलते ही खुशबू मुझे मिल गया और मैं आपको शेयर मार्केट बताने के लिए पागल हो रहा हूँ। सर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड क्लास, ओके, जो नॉर्मली सैटरडे संडे होता है। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मानो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा सा नज़र डालो, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का साइट है, साइट में जाके भी आपको डिटेल्स मिल सकता है BSE का। ऐसे ये आज BSE का मतलब जो सेंसेक्स है ना, वो BSE सेंसेक्स का डिटेल्स है, इसमें टॉप 30 कंपनीज का डेटा है सर। ठीक है, टॉप 30, लेकिन
बीएससी में कितना कंपनी लिस्टेड है वो यहीं से मिल जाएगा, अप्रोक्स 5,500 सर। ठीक है, 5,500 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है सर, मतलब ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बिना भी है। बहुत सारे कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में नहीं है पर फिर भी वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो पब्लिक भी है और लिस्टेड भी है। ठीक है, पब्लिक भी है और लिस्टेड भी है सर। पब्लिक क्यों, इसको पब्लिक कंपनी क्यों कहेंगे जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड होता है, जैसे कि सेंसेक्स लिस्टेड कंपनी या निफ्टी 50 कंपनीज। हाँ सर, निफ्टी 50 में तो टॉप 50 कंपनीज होते हैं। ठीक है, जिसको शेयर मार्केट में हम लोग ट्रैक करते रहते हैं, लेकिन निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाते हैं, निफ्टी के अंदर भी ऑलमोस्ट 2,500-3,000 के आसपास कंपनीज लिस्टेड है। सॉरी, निफ्टी एनएसई लिखना चाहिए, सॉरी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अथॉरिटी है सर। ये देखो नंबर ऑफ लिस्टिंग 2,000-2,500 बोला ना सर, 2,000, तो उधर हो गया 5,500, इधर हो गया 2,000, मतलब ऑलमोस्ट 7,000-7,500 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है सर। 7,000-7,500 ऑलमोस्ट कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है सर। अभी मैं ये सब बात क्यों कर रहा हूँ सर, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी, बाकी प्राइवेट कंपनीज का तो मैं काउंटिंग नहीं कर सकता। हमारे देश में कितना प्राइवेट कंपनीज है, उसमें कुछ फेमस प्राइवेट कंपनीज भी है। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट, हाँ सर, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी है और भी बहुत सारे, मतलब फ्लिपकार्ट अभी भी प्राइवेट लेवल में चलता है। ठीक है, मैं नाम अनगिनत नाम है, आजकल बहुत सारा कंपनीज स्टॉक मार्केट से मार्केट में आ गया। बिग बास्केट, वो भी स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली पेटीएम, जोमेटो आ गया, स्विगी अभी भी प्राइवेट है। हाँ सर, स्विगी जैसे कंपनी अभी भी प्राइवेट है। तो कहना ये चाहता हूँ कि चाहे वो कंपनी प्राइवेटली हो चाहे वो कंपनी पब्लिकली हो, लेकिन उसमें इन्वेस्टर का पैसा होता है। हाँ सर, जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइट में, ये रहा आपका निफ्टी 50 कंपनीज का डेटा। ठीक है, इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो टॉप 50 कंपनीज मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप करते हैं उनको यहाँ पर दिखा जाता है सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारा रीजन है जो स्टॉक मार्केट क्लास में मैं नॉर्मली समझाता हूँ कि निफ्टी 50 कैसे बना जाता है, सेंसेक्स कैसे बनते हैं, इसका टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मतलब उसका अलग ही एरिया है। बट आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसे आप देखो यहाँ पर NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, UPL, सान फार्मा, टाटा कंज्यूमर, इंडसइंड बैंक, ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडियन ऑयल, भारतीय एयरटेल, ITC, विप्रो, TCS, ब्रिटानिया, कोल इंडिया, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, टाइटन, BPCL, JSW स्टील, इन्फोसिस, HDFC, डिवीज लैब्स, श्री सीमेंट, सिप्ला, अदानी पोर्ट्स, टॉप 50 कंपनीज का लिस्ट है। ठीक है, लेकिन नॉट जस्ट दिस 50, ऐसे कंपनीज में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी ठीक ठाक से चल रहा है तो इन्वेस्टर का पैसा ठीक ठाक है, तो उसको ठीक ठाक रखने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस सही होना चाहिए। अगर कंपनी गड़बड़ करता है तो इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा, और अगर इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा तो इन्वेस्टर्स, मतलब डूबेगा मतलब क्या, देखो मार्केट रिस्क के कारण डूबता है वो अलग बात, आप बात को समझो। जैसे म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट आता है और उसमें क्या लिखते हैं बोलो ना, म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट क्या बताते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू, थैंक यू सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पहले बहुत फास्ट बोलता था, ऐसे बोलता था म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, ऐसे बोलता था। और भी फास्ट होगा, मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी सेबी ने बता दिया इतना फास्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, आजकल मैं सुनता हूँ सर ये बिटकॉइन है ना सर, बिटकॉइन के एडवर्टाइजमेंट में और इसके एडवर्टाइजमेंट में, ये जो आपका अरे उसको क्या बोलते थे, जो अरे गेम में पैसा लगाते हैं ना, बोलो ना, क्रिकेट वगैरह चलता है उसमें हम लोग पैसा लगाते हैं ना कि कौन, ड्रीम इलेवन टाइप्स, ड्रीम इलेवन वो एक तरह का मतलब बेसिकली गैम्बलिंग टाइप है ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब स्पेकुलेशन है सर, स्पेकुलेशन बिजनेस है। तो बिटकॉइन, ड्रीम इलेवन का तो कोई प्रॉपर ऑथोरिटी नहीं है, ऐसे ड्रीम इलेवन वगैरह कंट्रोल में चलता है
बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लेता ना एक इंडिविजुअल से, मतलब कोई लाख लाख करोड़ों का स्कीम नहीं चलता, मैक्सिमम 10-20 हज़ार का ही स्कीम है मैक्सिमम, बाकी ज्यादातर लोग तो 25, 30 और 50 में ही खेलता है। तो लेकिन है तो स्पेकुलेशन बिजनेस, कंपनी बहुत कमा रहा है, ड्रीम इलेवन जैसा और भी बन गया। तो इसका ऐड पे देखना, इतना फास्ट बोलता है ना, जोखिम उसे भरा है बोल के बहुत जल्दी बोलता है आजकल। मैं देखता हूँ कभी कभी ऐड में, जब भी थोड़ा टाइम दिखता है ना, मुझे क्या चल रहा है, ये तो म्यूचुअल फंड जैसा बोल रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आजकल बोल दिया कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब बिजनेस लेवल में नेशनल इंटरनेशनल सिनारियों में रिस्क होता है सर, उसके कारण मार्केट में कुछ अप डाउन हो, इन्वेस्टर का पैसा डूबे, वो अलग बात। लेकिन जस्ट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, लॉ में गड़बड़ है, कंपनी घोटाला कर रहा है और लॉ उसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले पा रहा है, आप बात समझ रहे हो ना, कंपनी घोटाला करेगा, गवर्नेंस ठीक नहीं है, पब्लिक का पैसे से बिजनेस करके पैसा लूट के चला गया है ना, मिस मैनेजमेंट ऑफ मनी किया, ठीक है, मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड किया, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए ना। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना कि क्यों इन्वेस्टर्स के बारे में इतना ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो करेंट लॉ है 2013 का, इसमें स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसा एरिया, ठीक है, जहां पर जिसके बेसिस में इकोनॉमी बिल्ड हो रहा है, उसको कॉन्फिडेंट रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है मतलब विश्वास से भरा रखना है, ताकि इन्वेस्टर को ये लगे कि भाई लॉ है हमारे देश में कि अगर कुछ फालतू कारण में, फालतू रीजन में, फालतू रीजन समझते हो ना, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपनीज फॉल्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट फॉल्ट, किसी का पैसा में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी का फंड में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसके लिए देश में एक्शन है, ठीक है। जैसे मानो अपने बंगाल में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, शारदा रोज वैली का स्टोरी जानते हो ना आप लोग, अरे शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम सुने तो होंगे। आजकल हाँ वाले का अरेस्ट कर लिए, बोलो। सर्विस काम वाले को आज अरेस्ट कर लिए सर, उनका एनडी को सर्विस अरेस्ट कर दिया किसका, किसका बात कर रहे हो, मैं सुना ही नहीं गया। मुझे कार्वी, सर्विस काम कार्वी कार, हाँ कार्वी का भी स्कैम, यस कार्वी भी आज प्रॉब्लम किया, आज या आज कल किया। अरेस्ट किया उनको, हाँ अच्छा कार्बी का एमडी किसको, को, एमडी को, एमडी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर को। हाँ वो तो कार्बी का तो चक्कर चल ही रहा था, बस प्रूव करने का देरी था, तो बस घोटाला किया है। आपने बताया तो भी न्यूज़ में आ जाएगा, आपको तो पहले खबर मिल गया होगा। आ चुका है सर न्यूज आ में। चुका है, अच्छा मैंने देखा नहीं, देखना पड़ेगा। कार्बी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी से सर, ठीक है, उसका भी जैसे कि शुभश्री बता रहा है, तो शुभश्री पहले कार्बी में थे ना शुभश्री तुम। हाँ सर, हाँ तो एक्चुअली ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी है और बहुत ही पुराना, हैदराबाद बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड है ना शुभश्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर बहुत पुराना कंपनी है, बहुत ही थर्टी थर्टी पुराना, 30। सब रिलायंस इंफोसिस सबका रजिस्टर्ड भी वही है। हाँ मतलब रजिस्टर भी कर, रजिस्टर का भी काम करता था और आईपीओ वगैरह में भी बहुत सारा काम करता था, बहुत ही पुराना कंपनी है, बट लास्ट 2-3 सालों में कुछ स्कैम कर लिया और मुश्किल में आ गया। आप समझ रहे हो ना, ये इन्वेस्टर के चक्कर में ही आया, ठीक है। एक्चुअली कार्वी इन्वेस्टर का पहले भी पैसा, बैन हो चुका सर, हाँ बोलो। हाँ पहले भी बैन हो चुका है। हाँ पहले तो बैन हो ही चुका है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, जैसे कि सुभश्री ने भी बता दिया कार्वी के बारे में, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में, मतलब ये कंपनी बहुत पुराना कंपनी था, बट इसका मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया और इस मैनेजमेंट के गलती के कारण इन्वेस्टर्स को मुश्किल में पड़ना पड़ा। इवन मेरा भी कुछ रिलेटिव्स का अकाउंट कार्वी में था, तो मिल गया सर, क्योंकि अभी सेबी है, एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, मार के जाएगा कहाँ। लेकिन शारदा रोज वैली जैसे केसेस में क्या था ना, ये सेबी के अंडर में था नहीं, सेबी बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप लोग देखो इस तरह का कंपनीज को जो मार्केट से पैसा उठा रहे लोगों का, पैसा डबल का बात करके, वो पैसा डबल, ये शारदा रोज वैली तो ऐसा कर दिया, वो जैसे हमारे मूवी में दिखाया था, वो कौन सा मूवी था जिसमें 21 दिन में पैसा डबल का कहानी है, अक्षय गोलमाल, कुमार, गोलमाल फिर हेरा नहीं, फेरी, फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी, फिर हेरा फिर फेरी। हेरा फेरी, अच्छा हाँ ठीक है, मतलब वो कितना पुराना स्टोरी का मूवी है, उसको बंगाल में क्या मतलब स्प्रेड, मतलब किस तरह से, फिर से बंगाल का लोगों के दिमाग में, हम मुझे समझ में नहीं आता, मैं खुद बंगाली हूँ, मैं खुद बंगाल से हूँ, बट यहाँ का लोगों का क्या दिमाग में चलता है मुझे समझ में नहीं आता। जो भी हो, ऐसा चीजें बिहार में भी हुआ है, आसाम में भी हुआ है, ठीक है,
मतलब कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि स्कीम लेने से पहले समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ना इस तरह का काम करने से रोकना चाहिए। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर गवर्नमेंट तो मिला हुआ है, हाँ यस आई अंडरस्टैंड, आप भी समझ रहे हो, ठीक है, अब समझ लो क्या बात है। जिन लोगों का पैसा गया है सर, बहुत बहुत खराब हालत हुआ है, बहुत सारा। जो लोग एज एन एजेंट काम किया था उनका तो सर रात का नींद उड़ गया सर, मतलब जो लोग ये रोज वैली एम्बिशियस ग्रुप बोल के ग्रुप था, कैमलिया बोल के ग्रुप था, शारदा का जो ग्रुप है, मतलब रातों रात लोगों ने मारने के लिए आ गया था, ऐसा सिचुएशन बहुत खराब लगता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है जो एजेंसी लेता है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट बनता है, उनको लगता है गवर्नमेंट खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो फिर गवर्नमेंट शायद परमिट कर रहा है, लेकिन जब प्रॉब्लम हुआ गवर्नमेंट गायब। दिस इज बैड, दिस इज बैड सर, दिस इज बैड, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, ये खराब बात है। होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनीज लॉ कितना इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, क्योंकि इतना सारा लोगों का पैसा इम्पोर्टेंट है सर, लोगों का मतलब मेहनत का पैसा है, कंपनी में जाता है और लोग उसमें रिटर्न कमाना चाहता है, तो कुछ तो लॉ होना चाहिए। मार्केट रिस्क को छोड़ देते हैं सर, मार्केट खराब अच्छा बुरा भला चल सकता है, बट कम से कम मैनेजमेंट धोखा तो ना दे। ठीक है सर, ये पूरा कंपनीज एक्ट आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट कुछ कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन वन ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द टाइटल ऑफ द एक्ट अकॉर्डिंग टू विच दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट। ठीक है, मतलब सेक्शन वन के अंदर ही बोला गया कि कंपनीज एक्ट क्या है, और बेसिकली सेक्शन वन ही बोले बोला कि कंपनीज एक्ट को कंपनीज एक्ट कहा जाता है। ठीक है, सेक्शन वन के अंदर फर्दर सेक्शन डील्स विद एक्सटेंड ऑफ टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, इट सेज दैट एक्ट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। सर होल ऑफ इंडिया के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जब भी दिमाग में होल ऑफ इंडिया आता है, ये जो पुराना गवर्नमेंट का एक गलती था ना सर, कश्मीर, हाँ कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देके अपना नेहरू साहब ने जो गलती कर दिया था ना, वो गलती को सुधारने के लिए ये बार बार एक्ट के अंदर लिखना पड़ता है। सर आप ऐसे ओपनली कैसे बोल सकते कि नेहरू जी ने गलती किया था, आपको कैसे पता? नहीं ऑब्वियसली गलती किया था, मतलब गलती तो था, अब सिचुएशंस हो सकता है कि हमारे फेवर में नहीं था, बट थोड़ा स्ट्रांगली टैकल करना चाहिए था, क्योंकि बात देश की है। मतलब अगर नेहरू जी की जगह सुभाष बोस होते ना, नेहरू जी सुभाष बोस को आने नहीं दिया, क्योंकि सुभाष बोस इज द ओनली कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस जिन्होंने महात्मा गांधी को हराया था। मैं इसलिए पॉलिटिक्स का बात फिर से कर दिया आपको, क्योंकि ये बार बार ये बात कहना क्यों पड़ता है जानते हो? क्योंकि भारत का एक हिस्सा ऐसा है, किसी किसी के साथ एडजस्टमेंट है, जैसे सिक्किम वगैरह के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट है कि ठीक है वो लोग खुद बाद में आया, लेकिन कुछ लॉ उनके देश मतलब स्टेट्स में लागू नहीं होने दिया जाता, कुछ रीजंस है उसका। लेकिन ये कश्मीर जो हमेशा से भारत का था, उसको लेके जो एक देश को पार्टीशन करने के टाइम पे जो गड़बड़ हो गया था ना, सरदार पटेल ने थोड़ा कोशिश किया तभी भारत आज जो दिख रहा है ना, भारत का नक्शा, जस्ट बिकॉज ऑफ सरदार पटेल के, इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बट ये और बेहतरीन होता अगर सुभाष बोस गांधी जी उनको सुन लेता, मतलब ये देश एक्चुअली तब टूटता ही नहीं सर, और ये बात बार बार लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता। और कश्मीर को लेके पाकिस्तान का ये जो स्टांस है ना, यो के हड़प के रखा है, हाँ आजाद कश्मीर बना के मुश्किल में डाल के रखा है, गिलजित बल्तिस्तान को मुश्किल में डाल के रखा है, मैं आपको क्या बताऊं, उधर चाइना ने एक कोना खा के रखा है, ठीक है, अक्साई चाइना के नाम पे। मतलब आपको जब भी ये सब लॉ पढ़ाने बैठता हूँ ना, मेरे दिमाग में मतलब पूरा हिस्ट्री घूमता रहता है, और मैं सोचता हूँ कि आपको ऐसे बात की लॉ में बता देता है तो आपको क्या क्या बताऊँ मैं। ठीक है, तो एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, मतलब ये कश्मीर पे भी लागू होगा, बस सिंपल बात है। ठीक है, कश्मीर इज नॉट, ऐसा नहीं कि कश्मीर भारत का पार्ट नहीं, कभी कभी ऐसा लगता था कि अच्छा क्या फिर भारत जबरदस्ती कश्मीर को ले रहा है क्या? हाँ ये कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं सर, सो कॉल्ड उनको बोलते हैं, इट्स लाइक क्या बोले सर, मतलब जिनको बोलते हैं ना बुद्धिजीवी, इट्स लाइक स्कॉलर्स, सो कॉल्ड स्कॉलर्स, नहीं कश्मीर में लोगों के जिंदगी खराब होके रखा है, वहां पर ह्यूमन राइट्स खराब होके रखा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, इट्स ओके ह्यूमन राइट्स खराब होके रखा है, तो क्या ह्यूमन राइट्स हम लोगों ने खराब करके रखा? तो फिर यूनाइटेड नेशंस में जाके क्यों नहीं बोलते हैं? पाकिस्तान उनको प्रॉब्लम में डाल रहा है, लोग उसको भड़का रहा है कि कश्मीर में, एक तो 90s के जमाने में क्या हुआ वी ऑल नो,
कि वहां से किस तरह से हिंदू ब्राह्मणों को किस तरह से मार के भगाया गया, खत्म करके रख दिया हिंदू ब्राह्मण को, वो पाकिस्तान का कारण से हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानीज। तो वो लोग अंदर से भड़का रहा है, आतंक फैला रहा है, और कश्मीर को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो कभी भी भारत का नहीं था। 5,000 साल का इतिहास देख लो, कश्मीर ऑलवेज भारत का है। नाम से ही कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि से है, और कश्यप ऋषि का वंशज जो है वही कश्मीरी है। ठीक है, अब ठीक है, इतिहास में बहुत कुछ हो गया, लेकिन ये कश्मीर के कारण ना, ये बार बार ये बात लॉ के अंदर लिखना पड़ता है कि दिस लॉ एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, बस इसीलिए मैं आपको थोड़ा इतिहास बोल दिया सर। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट्स है लाइक सिक्किम जैसे जो भारत में बाद में ज्वाइन किया, उनके लिए कुछ कुछ लॉ में उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, बट मेन इशू बेसिकली कश्मीर। दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट द डेट ऑफ कमिसमेंट, चलो सर भूल जाओ, अब इतिहास में नहीं, फिर से कॉर्पोरेट लॉ में आ जाओ। दिस सेक्शन ऑल्सो स्पेसिफाइज द डेट ऑफ कमिसमेंट ऑफ दिस एक्ट अकॉर्डिंगली, दिस सेक्शन शैल केम इन टू फोर्स एट वंस एंड द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी रेफरेंस इन एनी प्रोविजन टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू द कमिंग इन टू फोर्स फॉर दैट प्रोविजन। द सेक्शन फर्दर मोर स्टेट्स, मतलब सेक्शन 1 ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू, मतलब ये जो प्रोविजन है वैसे पूरा भारत में लागू होगा। साथ में और भी चीज बोलते हैं सेक्शन 1, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रोविजन प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब अगर कोई कंपनी करेंट कंपनी लॉ से पहले इंडिया में आया है उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st of January 1972 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ओके, सो द कंपनीज एक्ट 2013 शैल ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन एबीसी लिमिटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, एबीसी लिमिटेड जो 1972 में आया था और उस टाइम पे इंडिया में 1956 एक्ट चल रहा था, तो 2013 एक्ट क्या उन पे लागू नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए कहते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। जैसे 2013 एक्ट से पहले हमारे देश में 56 एक्ट हुआ करता था। ठीक है सर, बस इतना याद रखो। अच्छा, साथ में और भी कुछ पॉइंट इसके साथ जुड़ जाते हैं, मतलब ये कंपनीज एक्ट और किसके किस में एप्लीकेबल हो सकता है और कौन कौन केस में एप्लीकेबल हो सकता है। वैसे हमारे देश में कुछ ऐसे भी बिजनेसेस हैं, कुछ ऐसा भी कंपनीज है जो किसी और एक्ट के अंडर चलता है। सर ये कौन सा कंपनीज है? सर जैसे मानो कि हमारे देश में जो इंश्योरेंस कंपनीज चलता है, इसके लिए एक इंश्योरेंस एक्ट है जिसका नाम है 1938 इंश्योरेंस एक्ट, और उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है सर जिसका नाम है IRDA एक्ट 1999। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस एक्ट के तहत चलता है, इंश्योरेंस कंपनीज IRDA के तहत चलता है 1999 IRDA के तहत। नाउ क्वेश्चन इज दैट जो कंपनीज इंश्योरेंस के अंदर है और इंश्योरेंस का काम करते हैं वो कंपनी भी है। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, तो फिर उस पर कंपनी एक्ट लागू करे कि इनका अपना एक्ट लागू करे? लेकिन जब दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए कि मानो कंपनीज एक्ट एक कह रहा है और इनका अपना एक्ट कुछ और कह रहा है, तब किसकी बात माने? हाँ सर, अब बात समझ पा रहे हो ना, एक तरफ वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी भी है, दूसरे तरफ वो इंश्योरेंस ऑब्वियसली इंश्योरेंस का काम करते तो इंश्योरेंस एक्ट में आना पड़ेगा, इंश्योरेंस का काम करता है तो इंश्योरेंस एक्ट में आना पड़ेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी के अंदर आना पड़ेगा। तो फिर कंपनीज एक्ट में कैसे आ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी है? सर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जानते हो कुछ कंपनीज के नाम बताओ जो इंश्योरेंस का काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों को सजेस्ट किया था सर, तीन चार महीना पहले शायद, और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, जैसे SBI लाइफ, किसी किसी को मैंने बताया था कि खरीद लो भाई, बहुत अच्छा जाएगा। ICICI का भी लाइफ इंश्योरेंस है ना? हाँ विक्रम बिल्कुल, मैं जब बोला था तब ये 900 के आसपास था, 850-900 चल रहा था, और उस टाइम पे मैंने रिकमेंड किया था, ये हम लोगों का शेयर मार्केट ग्रुप में ही बोल रहा था, तो SBI लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक मार्केट लिस्टेड भी है। अब स्टॉक मार्केट लिस्टेड है, इसका कारण क्या हो गया सर? अब बात को समझो, कंपनीज एक्ट में आ गया, लेकिन ये तो इंश्योरेंस कंपनी है, तो फिर इसका कनेक्शन तो इंश्योरेंस एक्ट से पहले है, बिफोर कंपनीज एक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर, समझ रहे हैं ना सर? तो ये मैटर है। तो अगर
कोई एक्ट किसी और एक्ट के अंडर में चलता है, ठीक है, कोई और एक्ट के अंदर, जैसे तुमने आईसीआईसीआई बोला, एचडीएफसी का भी है आईसीआईसीआई, इसका तीन पीयर्स है मेनली, एक तो है आपका एसबीआई लाइफ, एक है आईसीआईसीआई लाइफ प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रू ऐसा ही नाम है क्या, नाम भूल जा रहा हूँ, हाँ आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और इसका और एक कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी, पीयर बोला जाता है सर, ठीक है, दिस काइंड ऑफ कंपनीज, ये लोग है तो इंश्योरेंस के काम में, लेकिन है कंपनी भी, तो इस पे क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? यस होगा, बिल्कुल कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है सर, देखो एक बार, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, ओके, मतलब अगर किसी जगह में इनकंसिस्टेंसी होता है तो फिर उनका अपना लॉ अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, अदरवाइज कंपनीज एक्ट लागू हो जाएगा। सिमिलरली बैंकिंग कंपनीज एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ बीआर एक्ट, बैंकिंग कंपनीज चलता है सर दो एक्ट के तहत, बेसिकली बीआर एक्ट और एक आरबीआई एक्ट भी है। अब आप बोलोगे सर बैंकिंग कंपनी कौन कर है? अरे सर नाम खत्म नहीं कर सकते, इतना बैंक शेयर मार्केट में है, बैंक का अलग निफ्टी बनता है, बैंक निफ्टी बोल के, हाँ सर बैंक इतना सारा है जिसका अलग से निफ्टी बनता है, बैंक निफ्टी, ये देखो मैं बस बैंक निफ्टी लिखा, आपको बैंक निफ्टी का डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, वैसे बैंक निफ्टी लिखा था तो अच्छा ही था, उसमें हमें बैंक निफ्टी का डिटेल्स भी मिल जाता, देखते हैं कौन कौन है बैंक निफ्टी के अंदर। ऐसे बैंक निफ्टी का भी दो पार्ट है सर, एक में आपका प्राइवेट बैंक का भी है एक अलग, और पब्लिक बैंक का भी अलग है, ये देखो कोटक महिंद्रा, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, ठीक है, और भी है नीचे जो आज मार्केट में आज के हिसाब से अप हुआ बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव रहा, और इधर है आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन लोग का आज मार्केट में थोड़ा सा बियरिशनेस रहा है, ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बैंकिंग बिजनेस में बहुत सारे हैं, बट बिफोर कमिंग इनटू द स्टॉक मार्केट या फिर कंपनीज एक्ट में आने से पहले से ये लोग बीआर एक्ट के तहत बैंक बना है, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, तो इसलिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट बन जाता है सर, ठीक है तो बैंक लेकिन कंपनीज एक्ट में भी है क्योंकि वो कंपनी के तौर पे मार्केट में बिजनेस करता है, लेकिन साथ में वो बीआर एक्ट के अंदर भी है, ठीक है, तो अगर इनकंसिस्टेंसी होगा तो उनका एक्ट फॉलो होगा, अदरवाइज और इन ऑल एवरी केसेस कंपनीज एक्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज एंगेज इन दी जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आया है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड जनरेशन में काम करने वाला भी कंपनी मार्केट में है, कुछ नाम बता सकते हो कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या जनरेट करते हैं? हाँ सर, रिलायंस भी करता है, ये कहते सर अपने कोलकाता वाला ले लेते हैं, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, संजीव गोयनका वाला कंपनी, ठीक है, संजीव गोयनका वाला कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये शेयर मार्केट में है, लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न क्रिएट किया है। अच्छा सीएसई छोड़ के रिलायंस का शायद मतलब रिलायंस का ना वो करता है, रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी है बट वो ओवरऑल रिलायंस के पूरा बिजनेस के अंदर ही है, बिकॉज रिलायंस ना अपना सारा का सारा बिजनेस को ना मल्टी बिजनेस के मोड में रखा, अलग अलग नहीं किया, लेकिन एक करता है सर अदानी ट्रांसमिशन, मतलब अदानी का भी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन वो सभी के लिए अलग अलग कर रहा है, जैसे अभी रिसेंटली विलमर ला रहा है, ठीक है, अदानी विलमर, ठीक है, ये बेसिकली दूसरा है, अदानी विलमर तेल बिस्किट्स वगैरह सॉरी पैकेजिंग फूड्स के अंदर आता है, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन बोल के एक है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है सर, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी, अदानी पावर जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है और ये ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है, नॉर्मली वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स में इनका बिजनेस अच्छा चलता है, नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया में अच्छा चलता है इनका बिजनेस अदानी ट्रांसमिशन, समझ रहे हो सर, अदानी पावर भी अलग से मिल जाएगा आपको, रिलायंस पावर भी है लेकिन रिलायंस पावर रिलायंस के साथ ही मिलकर काम करते हैं, मतलब अलग से नहीं है, ये है अदानी पावर, ठीक है, जो बेसिकली
जनरेशन का काम करते हैं, थर्मल पावर प्रोड्यूसर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और भी अपना गवर्नमेंट वाला भी ले लेते हैं, एनटीपीसी, सरकारी वाला भूल गए क्या? हाँ, मुझे इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये अपना गवर्नमेंट का है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इसी के हाथ में है, जो हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है मैक्सिमम इसी के हाथ में है। जैसे कोलकाता या वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम एनटीपीसी का ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। कोलाघाट जो है सर, जो लोग कोलाघाट जानते हो, कोलाघाट थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी के अंडर पे चलता है। एक आपका मालदा के पास है, एक मुर्शिदाबाद के वहां पर है, बहुत सारा है एनटीपीसी के अंडर पे, ठीक है। दुर्गापुर में भी शायद एनटीपीसी का चलता होगा मोस्ट प्रोबली। एक दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के नाम पे भी चलता है, ठीक है। तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है, गवर्नमेंट का है, ठीक है। और भी देखो, इसका काफी सारा सब्सिडियरीज भी बना हुआ है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि जो भी बातें मैं कर रहा हूँ इसके रिगार्डिंग आपको मार्केट में रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मिल जा रहा है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा प्रैक्टिकल लाइफ के साथ। देखो सर, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल कनेक्ट करोगे ना, पढ़ाई ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। और सिर्फ अगर आपको बोला जाएगा ना, ये चीज आपके लिए एक थ्योरी बन के रह जाएगा, तो प्लीज डोंट मेक इट थ्योरी। हाँ सर, जस्ट थ्योरी बन के मत रखना, बिकॉज ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। बाकी और क्या बोला कंपनीज एक्ट के बारे में? सर, कंपनीज एक्ट के बारे में बोल रहा है कि एनी अदर कंपनी गवर्न बाई एनी स्पेशल एक्ट, शायद यहाँ पर बोला नहीं है उसके बारे में, ठीक है। कोई स्पेशल एक्ट आता है एट द फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेड प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट होने पर वो स्पेशल एक्ट लागू कर देंगे, अदरवाइज कंपनीज एक्ट लागू रहेगा, बिकॉज वो कंपनी भी रहेगा। सच बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन specify in this behalf subject to such exception modification adoption as may be specified in the notification. Food Corporation of India, National Highway Authority of India, ठीक है। Food Corporation, NHAI, National Highway Authority, ठीक है। इस तरह का body corporate है, ठीक है, जो अपने act में चलता है, ठीक है। और साथ में अगर एक company भी है, हाँ है, government company है, Food Corporation of India, National Highway Authority, जो special kind of body corporate के हिसाब से चलता है, ठीक है। नोट देखो सर, द टर्म एक्सेप्ट इन सो फार शैल मीन एक्सक्लूडिंग टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इज इफ एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी टू विच द कंपनी इज रेगुलेटेड, देन दैट द कंपनी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रेस्पेक्टिव एक्ट टू विच इट इज गवर्न एंड रेगुलेटेड बाय, ठीक है। जहां पर भी उनके बीच में कहीं विवाद खड़ा होगा, भाई कंपनीज एक्ट को माने या अपना एक्ट को माने, तो उनका जो खुद का इख्तियार वाला एक्ट है उनको पहले सामने लाया जाएगा, बाद में कंपनीज एक्ट को लाया जाएगा। जिस पॉइंट में उनके बीच में किसी भी तरह का क्लैश होगा, क्योंकि हम कंपनीज एक्ट के अंदर भी आते हैं और हम लोग अपने रेस्पेक्टिव एक्ट के अंदर ही आते हैं, तो रेस्पेक्टिव एक्ट को पहले सामने लाया जाएगा, ठीक है। जब भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा लाइक कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, तो उस टाइम पे अपना जो एक्ट है उसको पहले मौका मिलना चाहिए, बाद में कंपनीज एक्ट के साथ कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है सर, सेक्शन 1 जो है वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का एप्लीकेबिलिटी में ही बात कर दिया, ठीक है, कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबिलिटी में ही बात कर दिया। तो कंपनीज एक्ट का टाइटल, कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, और होल ऑफ इंडिया क्यों लिखते हैं इसका कारण भी आपको मैं बताया। ऐसे तो जरूरत नहीं है ना, क्यों लिखे होल ऑफ इंडिया, हाँ पूरा भारत में लागू है, हाँ रीजन है काफी सारा, उसमें से एक बड़ा रीजन तो आपको मैं बता दिया। Commencement section 1 came into force at once and the remaining provisions on different dates through notification. Application ka baat jo hai companies pe lagta to hai hi, insurance companies mein bhi lag jata hai, banking companies mein bhi lag jate hain, companies producing supplying electricity mein bhi lag jata hai, company regulated by any special act mein bhi lag jata hai, aur entities as notified by central government like NHAI, NTPC, theek hai, sorry NHAI, Food Corporation of India, is tarah ka, NTPC to already companies mein hai, theek hai। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भी कंपनीज एक्ट लागू हो जाता है। हेलो, बोलो सर, समझ में आ रहा है ना कि कंपनीज लॉ का इख्तियार कितना दूर तक फैला हुआ है? यस सर। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या?
डेफिनेशन इन द सेंस डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशंस जो इस पूरा कंपनीज एक्ट के अंदर आपको जानना जरूरी है. तो सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज अ डेफिनेशन सेक्शन. इट प्रोवाइड्स वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन दिस एक्ट. डेफिनेशन सेक्शन और क्लॉजेस आर नोन एज इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन एंड कैन बी इमेंस हेल्प इन इंटरप्रेटिंग और कंस्ट्रक्टिंग द एनैक्टमेंट और एनी ऑफ इट्स पार्ट. मतलब ये जो डेफिनेशंस है ये एक इंटरनल हेल्पिंग हैंड की तरह काम करता है जिस पूरा लॉ को बनाने में काफी हेल्प किया है. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 95 ऑफ सेक्शन 2 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956. सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली जो सेबी है ना सर, सेबी जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वैसा ही हमारे देश में सेबी से पहले, सेबी तो 1992 में आया है ठीक है, उससे पहले सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था ठीक है. जो लोग सीएस पढ़ता है कैपिटल मार्केट लॉ बोल के उनका एक पढ़ाया जाता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप टू में, तो उस पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्कशन होता है सर ठीक है. तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, 1956 का एक एक्ट है ठीक है. अब ये इकोनॉमिक लॉ का भी एक पार्ट है. तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ डिफिनेशन को भी इसके अंदर लिया गया है ठीक है. तो सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, जो बेसिकली बॉन्ड शेयर्स डिबेंचर्स जो है ना उसको सिक्योरिटी कहलाता है सर ठीक है. सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी गार्ड ना समझे ओके. मेरा बचपन का ऐसा सोच था सिक्योरिटी का मतलब शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स होता है, नॉलेज ही नहीं था. मतलब स्कूल में जब पढ़ते थे तो कई बार मैं सिक्योरिटी सेबी ये सब सुनता था ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज, मैं सोचता था कि सिक्योरिटी का लेना देना करता है ठीक है. ठीक है, दिमाग में घुसता ही नहीं था कि सिक्योरिटी का मतलब कुछ और मतलब होता है. तो शेयर डिवेंचर बॉन्ड का भी मतलब है. तो जब फर्स्ट टाइम खुद पढ़े थे, बाद में जब टीचर्स ने बताया या फिर थोड़ा थोड़ा समझने में आया, और उन दिनों गूगल नहीं हुआ करता था ना, तो कुछ भी दिमाग में चलने से गूगल नहीं कर पाते थे. ये प्रॉब्लम था. ये गूगल का जमाने का ये फायदा तो लेना चाहिए स्टूडेंट्स को कि कम से कम जब भी मन में सवाल आए कम से कम थोड़ा सा सोर्स तो है, है ना. अब ये आजकल गूगल का एक दूसरा प्रॉब्लम है, गूगल में तो कुछ भी है, अब क्या सही क्या गलत इसका क्या करें, उसको लेके प्रॉब्लम हो गया. मतलब सोर्स का ऑथेंटिकेशन को लेके मुश्किल हो जाते हैं. मतलब तभी आप समझ पाओगे कि सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं. मतलब आपके पास थोड़ा पहले से नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो गलत को भी सही मान बैठोगे. मैं देखता हूँ ना लोगों से बात करता हूँ तो, क्योंकि गूगल एक एल्गोरिदमिक है, आपने CMA सर्च करने का ठीक है, तो CMA बोलने से पहले US वाला CMA आएगा. कभी आपने देखा, आप कभी गूगल में CMA सर्च करना ठीक है. जैसे मैंने CMA सर्च किया, ये आया सर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ये सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये इंडिया वाला नहीं है सर, क्योंकि इंडिया वाला को सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलते ही नहीं है, उनको कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ठीक है. ये US वाला CMA है. अब जिनको नॉलेज नहीं है वो सिर्फ CMA सुन के रखा है. बहुत सारे लोगों से बात होता है ना सर, तो CMA सुन के रखा है. नहीं, CMA तो 6 months का होता है ठीक है, आप बोल रहे हो 3 साल का होता है. बोलिए अब इसको कौन समझाए कि ये कौन CMA के बारे में जान लिया, उसका क्या मतलब है उसके लाइफ में, उसको पता ही नहीं है. 6 महीने का US का CMA करके क्या करेगा वो. 6 महीने का CMA उसके लिए है, US वाले के लिए, जो US में जाके बसना चाहता है ठीक है, और जो ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस के साथ है उनके लिए 6 months का US CMA काम का है सर. जिसका ऑलरेडी फाइनेंस अकाउंट्स या कॉस्टिंग बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज हो वो 6 महीने का US CMA करके अपना अपग्रेडेशन करता है ठीक है. अब आजकल इंडियन यूथ में ना एक क्रेज हो गया है, नहीं CMA कर रहे हैं हम तो ACCA कर रहे हैं ठीक है. 6 महीने में हो जाएगा, स्पेशली CMA CPA थोड़ा कम टाइम में होता है ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक अलग ही क्राइटेरिया बना के रखा है स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. जो ऑलरेडी काम में है 6 महीना कर लो, कुछ सब्जेक्ट्स है और काम पे आ जाओ. मतलब ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड एरिया में नॉलेज होना चाहिए. अब जो बंदा 11-12 में ठीक से जर्नल एंट्री तक ठीक ठाक से नहीं सीखा वो 6 महीने में क्या CMA समझेगा. अब ये बात कौन समझाएगा उसको. अब ये प्रॉब्लम है गूगल करके नॉलेज लेने का ठीक है. मतलब थोड़ा प्रायर सेंस भी होना चाहिए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम लगता है मुझे. आजकल काफ़ी सारा स्टूडेंट से बात होता है ना सर, ऐसा ऐसा सवाल करता है, मेरे को तो लगता है कि या तो मैं मर जाऊं या फिर बोलूं कि भाई अभी मैं बोल ही नहीं सकता, मेरे को पता ही नहीं कि क्या है दुनिया में. ठीक है चलो आ जाओ सर.
तो डेफिनेशंस के अंदर क्या बोला सर फिर? क्लॉज 95 सेक्शन 2 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 या फिर डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 शैल हैव द मीनिंग रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दोज एक्ट्स. व्हेन वर्ड और फ्रेज इन डिफाइंड एज हैविंग पर्टिकुलर मीनिंग इन द एनैक्टमेंट इज इट इज दैट मीनिंग अलोन व्हिच मस्ट बी गिवन टू इट व्हाइल इंटरप्रेटिंग अ सेक्शन ऑफ द एक्ट अनलेस देयर बी एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब आपको मैं कुछ स्पेशल डेफिनेशंस के बारे में बताता हूँ जो आपको धीरे धीरे इस पूरा चैप्टर के अंदर आपको मतलब ऑलमोस्ट 100 के आसपास डेफिनेशंस है, ठीक है, जो आपको बहुत जानना जरूरी है. ऐसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो भी डेफिनेशंस के बाद मैं आपको करूँगा आगे एक एक मैटर में चैप्टर आएगा सर, ठीक है, इसी तरह का. ऐसे 100 चैप्टर तो नहीं आएगा बट इतना समझ लो कि मैक्सिमम पॉइंट में चैप्टर आ जाएगा. जैसे अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एब्रिज प्रोस्पेक्टस. अब ये सेक्शन 2 स्टेट्स दैट एब्रिज प्रॉस्पेक्टस के बारे में. अब ये प्रॉस्पेक्टस का एक चैप्टर आएगा, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस का एक चैप्टर आएगा. ये देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा सर, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. प्रॉस्पेक्टस बेसिकली वही है जो कंपनी स्टॉक मार्केट में आने से पहले या फिर प्राइवेट कंपनी बनने से पहले अपना प्रॉस्पेक्ट बताते हैं. तो प्रॉस्पेक्टस का डिफरेंट टाइप्स होते हैं. द एवरेज प्रॉस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच सैलिएंट फीचर्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ. ठीक है, बस इतना बोला है एवरेज प्रॉस्पेक्टस के बारे में. एक मेमोरेंडम है जिसमें सैलिएंट फीचर्स ऑफ ए प्रॉस्पेक्टस मतलब कंपनी का प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताया जाता है और जो सेबी ने बताया हाँ रेगुलेशन बनाने के टाइम पे. ठीक है, तो सेबी एक्ट में बोला है उसी को कंपनीज एक्ट भी मान लेते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में किसने बोला सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे देश में बनाते हैं CA, ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. मींस द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लासेस ऑफ कंपनीज रेफर्ड इन सेक्शन 133. सेक्शन 133 ऑफ द एक्ट डील्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. एज पर द सेक्शंस द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और एनी एडेंडम देयर टू एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949. तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट करते तो उनका भी एक्ट फॉलो किया जाएगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर बोला गया है ना. इन कंसल्टेशन विद द आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. मतलब आजकल ना CA इंस्टीट्यूट अकेला नहीं कर पाता. CA इंस्टीट्यूट को देखभाल करने के लिए मैं आपको बता रहा था ना मोस्ट प्रोबेबली NFRA के बारे में किसी क्लास में. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी 2018 में लाया गया इनको, ठीक है, कि CA इंस्टीट्यूट मतलब ICAI कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तभी ला सकता है कंसल्ट करना होगा NFRA के साथ. ठीक है, तो सेक्शन 133 टू बी रीड विद रूल 7 ऑफ कंपनीज रूल 2014 अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग एज स्पेसिफाइड बाय अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 शैल बी डीम्ड टू बी द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अंटिल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 33. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इज कंटिन्यूड अंडर सेक्शन 132 is continued under section 132 of the Companies Act. Central government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India in consultation with the examination made by the NFRA National Advisory Committee. Actually, इसी को बाद में change करके Financial Reporting Authority बना लिया. ठीक है, तो जिस टाइम पे जो भी authority किसी particular law मतलब definitions को बताते हैं उसको भी बाद में कंपनीज एक्ट भी अपने डेफिनेशंस के अंदर लिया. मतलब एक लॉ को बनाने के लिए दूसरा लॉ का भी सहारा लिया जाता है. फर्दर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फाइंड बाय सेक्शन 133 सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब दैट कंपनीज रूल 2006 एंड कंपनीज रूल 2015 मे बी फॉलोड. द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय अपॉइंट्स 1st October 2018 एज द डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. वो जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया गया. बस ऐसे ही बात है. सिमिलरली जब बात आएगा सर कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स का जो नॉर्मली CME इंस्टीट्यूट बनाते हैं मतलब ICAI बनाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जो कंपनी सेक्रेटरी का भी स्टैंडर्ड्स है. ठीक है, उसके बारे में CS इंस्टीट्यूट काम करते हैं. ठीक है, बट सर एक्चुअली कंपनी के जो फाइनेंशियल एरिया है उसमें जो फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग एरिया है वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स जो है स्पेशली फाइनेंस एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं. कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए ज़रूरी है और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स भी ज़रूरी है
जो थोड़ा सा बड़े लेवल के कंपनीज में जरूरी होता है, बट नॉर्मल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हर एक कंपनी को बेसिक लेवल में मानना ही पड़ता है, और ये दोनों चीजें आईसीआई के हाथ में है। और लेकिन आईसीआई अकेला नहीं कर पाता, इसलिए एनएफआरए को भी साथ में जोड़ दिया गया ड्यू टू सम, आप लोग जानते हो कुछ चक्कर चल रहा है ना काफी दिनों से, एनएफआरए के साथ आईसीआई का लड़ाई झगड़ा, गवर्नमेंट के साथ आईसीआई का पर काट दिया गया, ठीक है वो अकेला नहीं उड़ सकता, ठीक है तो डिफरेंट रीजन है, अभी पॉलिटिक्स में नहीं जाते सर। ऑल्टर और ऑल्टरेशन इंक्लूड्स द मेकिंग ऑफ एडिशन ओमिशंस एंड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ऑल्टर इन ऑल्टरेशन के बारे में भी कहा गया, कई बार ऑल्टर किया जाता है, जैसे हम लोग अपने पोशाक ऑल्टर करते हैं ना, लाइक जीन्स ऑल्टर करते हैं, वैसे लॉ को भी ऑल्टर कर देते हैं, कुछ एडिशन कर देते हैं, कुछ ओमिशन कर देते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, लाइक दैट। आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में चर्चा होगा नेक्स्ट चैप्टर में, ढेर सारी बातें करना है सर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इन सिंपल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का क्या है सर, रूल बुक है। तो फिर आर्टिकल के साथ और क्या आता है सर, आर्टिकल के साथ मेमोरेंडम भी आता है, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल के अंदर क्या बोला गया, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ उसे भी बदला जा सकता है, अप्लाइड इन परसेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है अगर किसी और कंपनी लॉ के अंदर था उसे भी आर्टिकल के अंदर लिया जाता है, अप्लाइड इन परसेंस ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। सर इसके अंदर डेफिनेशन देते हैं सर एसोसिएट कंपनी के बारे में, सर एसोसिएट कंपनी किसको बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी का मतलब सर इसके बारे में मैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाने के टाइम पे भी इस पॉइंट आया था, मैं वहां पर भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है मतलब एक कंपनी का, सपोज एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, अगर ए कंपनी का बी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है सर एटलीस्ट 20%, ओके सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो एसोसिएट कंपनी क्या हो गया सर, इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी नहीं है, जैसे सब्सिडियरी होल्डिंग का बात जब भी करता हूँ रिसेंट एग्जाम्पल यूज कर सकता हूँ, जैसे हमारे देश में रिसेंटली कुछ कंपनी किसी कंपनी को होल्ड किया, हाँ जैसे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है सर, रिसेंट 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 क्या हुआ, बिग बास्केट, बिग बास्केट ने किसने होल्डिंग लिया जल्दी बताओ, हाँ सर बिग बास्केट में किसने होल्डिंग लिया सर, आप लोगों को मेरा बात सुनाई दे रहा है कि नहीं, प्लीज टेल मी, ऐसा है तो प्राइवेट कंपनी, हेलो सर मेरा बात सुनने को आ रहा है क्या आप लोगों को, टाटा टाटा ने खरीदा, ठीक है टाटा ने खरीदा, टाटा बिग बास्केट में 68% स्टेक लिया सर, 68%, ठीक है तो ऐसे और भी हैं, तो टाटा क्या हो गया, बिग बास्केट का होल्डिंग हो गया, और बिग बास्केट क्या हो गया, नॉर्मली 50% होल्डिंग रहने से ही होल्डिंग हो जाता है, तो टाटा हो जाएगा होल्डिंग और बिग बास्केट हो जाएगा सब्सिडियरी, तो कहीं ना कहीं अनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्टली बिग बास्केट भी पब्लिक लिस्टेड हो गया, बिकॉज उसका जो मेन कंपनी है वो तो पब्लिक लिस्टेड है, ठीक है तो ये हो गया सब्सिडियरी, ठीक है तो सब्सिडियरी होल्डिंग क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी मतलब बाप कंपनी, सब्सिडियरी मतलब बेटा कंपनी, ठीक है जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, अगर किसी कंपनी का दूसरे कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो जिस जिसने होल्ड किया है उसको होल्डिंग बोलेंगे, और जिसने होल्ड करने दिया है उसको सब्सिडियरी बोलेंगे, इस केस में टाटा ने बिग बास्केट में 68% स्टेक लिया तो टाटा हो गया होल्डिंग और बिग बास्केट हो गया सब्सिडियरी, ठीक है लेकिन फिर एसोसिएट कंपनी का मतलब ये नहीं है, ठीक है एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है इन्फ्लुएंस रहता है, क्या रहता है सर इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे कि आपको बोला ना एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर में इन्फ्लुएंस, या फिर कंट्रोल है बिजनेस में, ठीक है कोई एग्रीमेंट के सहारे, ठीक है तो क्या बोलते हैं एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी। अच्छा जॉइंट वेंचर भी एसोसिएट हो सकता है, जैसे अपने इंडिया में एक फेमस जॉइंट वेंचर बताओ जल्दी, सर मारुति सुजुकी तो वेरी फेमस जॉइंट वेंचर अभी भी चल रहा है
है ना क्या सर? सुजुकी फ्रॉम जापान एंड मारुति फ्रॉम इंडिया, ठीक है, थैंक यू सर। तो इस तरह का जॉइंट वेंचर, एक्सप्रेशन जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है? जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट्स टू द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, द नेट एसेट पे भी अरेंजमेंट होता है। इसके बारे में सर्कुलर आया सर 25 जून 2014 को। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द शेयर हेल्ड बाय ए कंपनी इन अनदर कंपनी इन ए फिड्यूशियरी कैपेसिटी। फिड्यूशियरी क्या होता है सर? सर फिड्यूशियरी का मतलब होता है किसी कंपनी में किसी का कोई स्पेशल रिलेशन के थ्रू से है। फिड्यूशियरी इज ए पर्सन हु होल्ड्स लीगल और एथिकल रिलेशनशिप और ट्रस्ट, मतलब अगर कोई किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास रखता है ना तो इस विश्वास को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। फिड्यूशियरी इज ए पर्सन हु होल्ड्स अ लीगल और एथिकल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विथ वन ऑफ मोर पार्टीज, ठीक है, पर्सन और पर्सन ऑफ पर्सन्स, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। टिपिकली अ फिड्यूशियरी प्रूडेंटली टेक्स केयर ऑफ मनी और अदर एसेट्स ऑफ अनदर पर्सन, मतलब वो बहुत ही प्रूडेंटली अच्छे से किसी और का एसेट्स को मैनेज कर पाता है या फिर एसेट्स पे कंट्रोलिंग कर पाता है। ऐसे रिलेशनशिप को फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो 2014 में एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर, दैट इज शेयर हेल्ड बाई ए कंपनी इन अनदर कंपनी इन ए फिड्यूशियरी कैपेसिटी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट कंपनी। मतलब अगर किसी का एसेट्स पे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के कारण होल्डिंग है तो ऐसे केसेस को एसोसिएट कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही बात यहाँ पर कह रहा है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है सर? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाते हैं, लेकिन आपको मैं पहले ही बोला कॉस्ट स्टैंडर्ड्स का जो है, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट जो होता है ना सर, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो सीएम इंस्टीट्यूट लाते हैं, और जो फाइनेंसिंग ऑडिटिंग है जो ज्यादा पॉपुलर है, फाइनेंशियल ऑडिट है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रखते हैं, ठीक है। और एक सेक्रेटरियल ऑडिट होता है वो सीएस इंस्टीट्यूट रखते हैं। बट ये सब चीजें कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी बातें हैं, ठीक है, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर आपको ये बहुत बार, ये देखो एक चैप्टर आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स टोटली अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, आप समझ रहे हो ना, ये कंपनीज एक्ट के अंदर भर भर के हैं, और जो बेसिकली सीए इंस्टीट्यूट के हाथ में ही ये सब डिस्कशन, मतलब ये सब पावर है सर, ठीक है, अकाउंट्स के बारे में, ऑडिट के बारे में, जो फाइनेंशियल ऑडिट है या फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये सब तो सीए के पास ही है ना। दीज आर, यू नो, मतलब सीए इंस्टीट्यूट, सीए के पास मतलब ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक्चुअली देखो इसके पीछे रीजंस भी है। सीए एक्ट जो है सर ये आया है 1949 में, सीएमए एक्ट जो है ये आया है 1959 पे। बेसिकली इन दोनों का रोल प्लेइंग थोड़ा अलग है, ठीक है, भले ही पढ़ाई जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, सीए सीएमए का जो एजुकेशन है ना ऑलमोस्ट 70-80% सिमिलर एजुकेशन है सर, बस 10-20% डिफरेंट है। बट एक चीज क्या है ना, एरिया ऑफ एप्लीकेशन, मतलब लास्ट में जाके सीएमए ना कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, मतलब कंपनी का जो कॉस्ट एरिया है उसमें फोकस करना पड़ता है, जो बेसिकली कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनका रोल प्लेइंग ज्यादा होता है। सीए का जो एरिया है ना वो बेसिकली फाइनेंस एंड ऑडिट की तरफ चला जाता है, ठीक है, अकाउंट्स एंड ऑडिट की तरफ। बाकी टैक्स का काम, लॉ का काम ये भी देखना जानता है, फाइनेंस का काम ये भी देखना जानते हैं, ये भी देखना जानते हैं, बट अकाउंट्स एंड ऑडिट का बात करें तो सीए फोकस हो गया, और कॉस्टिंग का बात करें तो सीएमए फोकस हो गया। बाकी ऑलमोस्ट 78% सिमिलर है इनका जो सिलेबस स्ट्रक्चर या पढ़ाई का सिस्टम। सीएस इसमें थोड़ा हटके हो जाता है, सीएस में ज्यादातर केस में लीगल कॉन्सेप्ट को ज्यादा जोर दिया गया और फाइनेंशियल एरिया को जस्ट मतलब नॉलेज ओरिएंटेड दिया गया, ठीक है सर। देखो आपको सीएस सीएस सीएमए का समझ भी आ रहा है, तो सीए एक्ट आया 1949, सीएम एक्ट आया 1959, एंड सीएस एक्ट आया 1980 को, ठीक है, 1980 में आया सीएस एक्ट, ठीक है सर। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अगेन सीए का, आईसीए इंस्टीट्यूट का हाथ है। तो मींस दैट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और एनी अडेंडम देयर टू फॉर कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज रेफर्ड इन सब सेक्शन 10 ऑफ द सेक्शन 143, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। सर इसके बारे में तो चर्चा मैं आपके साथ ऑडिटिंग एंड ऑडिटर्स का चैप्टर्स के अंदर ही करूंगा, लेकिन अभी सर डेफिनेशन वाइज बात कर रहा हूँ। सबसेक्शन 10 ऑफ द सेक्शन 143 प्रोवाइड्स दैट अ सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग और एनी अटेंडम देयर टू एज रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
मतलब बेसिकली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रिकमेंड कौन करते हैं, प्रिस्क्राइब कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से, बट रिकमेंडेशन कौन करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट एक्ट 1949, इन कंसल्टेशन विद आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाई NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है। 2018 के बाद से बहुत ज्यादा जोरदार हो गया सर। ओके ओके सर, और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लो ना, इतना बात कर रहे हैं तो ये सब बुरा मान जाएगा सर। कंपनी जब चलता है तो उसमें ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल का बात होता है, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है सर? जो पैसा लेके बिजनेस करने आते हैं वही ऑथराइज कैपिटल है सर। ये क्या बात हो गया, थोड़ा ढंग से बोलो सर। ढंग से ही बोल रहे हैं, जितना पैसा लेके आप बिजनेस करने आते हो वही आपका ऑथराइज कैपिटल है। मीन सच कैपिटल एज इट्स ऑथराइज बाई द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट टू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं सर। मानो कि आप लोगों को मन हुआ कि 5 करोड़ लेके बिजनेस करना है, ठीक है, और आपने ये भी सोच लिया कि आपका कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू आप रखना चाहते हो 10 रुपीज करके। तो जस्ट टेल मी, यू हैव 5 करोड़ रुपीज फॉर बिजनेस एंड फेस वैल्यू है 10 रुपीज करके, मतलब एक शेयर का मिनिमम वैल्यू, तो कितना शेयर हो गया आपके पास ऑथराइज्ड? समझ में आया कुछ? हेलो बोलो। यस समझ में आया। तो ये सिंपल मतलब होता है ऑथराइज कैपिटल का, मतलब या नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है, कि बिजनेस के पास इतना कैपिटल मार्केट से इशू करने का ऑथोरिटी होता है। अगर आप 5 करोड़ बिजनेस के लिए उठाना चाहते हो या लाना चाहते हो, फेस वैल्यू 10% करके हैं तो 50 लाख शेयर हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू को कम कर दोगे तो शेयर वैल्यू थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर इसको 10 की जगह 5 कर दोगे तो ये 1 लाख शेयर, सॉरी 1 करोड़ शेयर हो जाएगा ना। हाँ, 5 हो जाएगा तो शेयर हो जाएगा 1 करोड़, ठीक है। बस फेस वैल्यू पे बहुत सारा खेल खेला जाता है, ठीक है। द फेस वैल्यू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, ठीक है। शेयर मार्केट क्लास में बताता हूँ ये फेस वैल्यू से कंपनी क्या क्या खेल खेलता है, स्प्लिट ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट के अंदर जो कैलकुलेशंस में मतलब लीगली हेरा फेरी हो जाता है, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता, बिकॉज ज़्यादातर इन्वेस्टर हमारे देश में अभी भी मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन में मूर्ख है, बस पैसा कहीं से भी कमा लेते हैं और सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा है तो डाल देते हैं, फिर डूब जाता है तो सोचता है कि भाई क्या हो गया, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे देखा जाता है, शेयर स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट करने से 400 का शेयर ना 200 का दिखने लग गया, तो लोगों को लगता है भाई शेयर बहुत कम में चल रहा है, दो कुछ दिन पहले तो 400 का था अभी 200 हो गया, चलो खरीदते हैं। लेकिन एक्चुअली नहीं, उसका वैल्यूएशन वही है, वो स्प्लिट हुआ है, और स्प्लिट जब करते हैं ना तो फेस वैल्यू से स्प्लिट करते हैं, तो बहुत बड़ा खेल खेला जाता है सर। 10 का शेयर को 5 कर सकता है या 1% कर सकता है, तो वेरियस रीजंस, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता, वो फाइनेंस का एडुकेशन में बताऊंगा। जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो या फिर स्टॉक मार्केट पढ़ते हो, ठीक है, उन पे ये सब बातें करता हूँ सर। ऐसे फाइनेंस सभी को पढ़ना पड़ता है, CA CA CMA तीनों को, सभी के ग्रुप 2 में है, ठीक है। अच्छा, तो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल नॉमिनल कैपिटल का मतलब तो समझ गए आप लोग सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड इन रिलेशन टू योर कंपनी मीन्स द कलेक्टिव बॉडी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, बस दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आप लोगों को मैं किसका बारे में बताऊं, अदानी का जल्दी मिल जाएगा, क्या था डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ये देखो A to the डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये सेक्रेटरियल ऑडिट कौन करता है, CS करता है, ठीक है सर। एनुअल रिपोर्ट रीड क्या करो, एनुअल रिपोर्ट रीड करोगे ना आपको हर तरह का CA का काम, CS का काम सब दिखेगा आपको, ठीक है। इसीलिए जो लोग स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस का पढ़ाई करते हो, ठीक है, या फिर फाइनेंस की क्लास में भी बात करता हूँ, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट रीड करने से ना आपको ये पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट हो, अकाउंट्स हो, हर चीज का इतना भर भर के आपको एप्लीकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप लोग स्टॉक मार्केट में प्लीज इंटरेस्टेड हो जाओ, चाहे आप स्टॉक मार्केट में पैसा मत डालो,
बट एटलीस्ट स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, स्टॉक मार्केट के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कौन सा रास्ता से गुजरना पड़ेगा, ठीक है? जो लोग करते हैं उनको तो ये सब नॉलेज मिल जाता है, जो नहीं करते उनके लिए बार बार बोलता हूँ कि एटलीस्ट स्टॉक मार्केट का पढ़ाई चालू करो, खुद से ही करो, ठीक है? उसमें आपको ना ये फंडामेंटल रीड करने का आदत होगा, और आदत होने से ना आपको समझ आएगा कि क्यों ये सब इतना जरूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट कहाँ चला गया, अभी मिल जाएगा शायद, हैंग कर रहा है, 1 मिनट। ये देखो सर, ये कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब पीएल बैलेंस शीट है। थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको मैं दिखाता हूँ, कहाँ चला गया भाई, जरूरत में क्यों नहीं मिलता मुझे। वो डीन डायरेक्टर्स का पूरा लिस्ट होता है, जहाँ पर आपको ये पता चल जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन है, ठीक है? ये देखो दिखाई दे रहा है ना, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखाई दे रहा है, बोलो ना। ये देखो, गौतम एस अदानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इसका डीन नंबर, ये डीन क्या होता है, डीन डायरेक्टर के एक चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे सर। हाँ, करण अदानी होल टाइम डायरेक्टर, किसको होल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बोलते हैं, ठीक है, सब बताऊंगा सर। कमलेश बागिया सीएस है, ठीक है, एंड रजेश एस अदानी डायरेक्टर है, एंड दीपक महेश्वरी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स है। तो ये बेसिकली केएमपीस के अंदर आता है, मैं आपको बताता हूँ केएमपीस कौन होते हैं, ठीक है? तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ में, और ये ऑडिटर्स है, डिलाइट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर, ठीक है? ठीक है, तो बेसिकली कंपनीज एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना आपको ये सब नजर आएगा, ये सब चीजें नजर आएगा। तो बोर्ड एंड डायरेक्टर्स कौन है, यू अंडरस्टैंड, बॉडी कॉर्पोरेट, ये वर्ड बार बार आएगा सर आगे, जब भी हम लोग कंपनीज लॉ के अंदर डायरेक्ट मतलब और अंदर घुसेंगे, आपको बार बार ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आएगा सामने, या कॉर्पोरेशन। सर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड सुने होंगे आप लोग कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ते। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि एक एग्जांपल, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल दो, बड़ा फेमस बिजनेस है कोई तो बताएं, फेमस बिजनेस है बट कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्सेप्ट में चलता है। थैंक फुल यू सर, ढूंढने से और मिलेगा, बट अमूल कोई कंपनी नहीं है सर, पहले ही बता दूं आपको, ठीक है? अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, वर्गीस क्यूरियन ने बनाया था, जो एक पशुओं का डॉक्टर थे सर, वेटरनरी सर्जन, अलग कहानी है, कभी बात करेंगे आपसे। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोल सकते। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बींग ए कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते कि भाई इसको कॉर्पोरेट ना मानो, तो उसको कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। बुक एंड पेपर, एंड बुक और पेपर, ठीक है, कंपनीज लॉ के अंदर भाई बहुत बार हमें बुक्स या बुक एंड पेपर या बुक और पेपर के बारे में सुनने को मिलता है। बुक का मतलब है अकाउंट, बुक का मतलब है डीड्स, ठीक है, बुक का मतलब है भाउचर, बुक का मतलब है राइटिंग्स, बुक का मतलब है डॉक्यूमेंट्स, बुक का मतलब है मिनट्स। मिनट्स क्या है, जो लोग हाल फिलहाल में एजीएम ईजीएम का क्लास करके आए हो, मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़ के आए हो हाल फिलहाल में, उनको पता है ना मिनट्स क्या है। सर कंपनी के एजीएम ईजीएम में जो भी डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो भी डिस्कशंस होता है उसको एक बुक्स में लिखना पड़ता है, दैट बुक्स इज कॉल्ड मिनट बुक्स, ओके? मतलब मिनट मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है उसका पूरा का पूरा समरी इसमें मिल जाता है। और ये मिनट बुक चेक करने के लिए जो बाद में या फिर रिवाइज करना चाहता है कि किसी मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ है, या फिर अगर मानो कि किसी ने एब्सेंट कर दिया था उसको चेक करना है, ठीक है, तो ये इसलिए मिनट्स बहुत जरूरी होता है। इस ये चर्चा में लास्ट वीक किया था, ठीक है। रजिस्टर्स मेंटेन ऑन पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रजिस्टर मेंटेन होता है तो उसे भी बुक एंड पेपर या बुक और पेपर बोला जाता है। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन दिया गया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स अ रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय ए कंपनी, जो भी रिसीव किया और जो भी खर्चा किया, एंड मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, ठीक है?
ऑल सेल्स एंड परचेसेस, जो भी सेल किया, जो भी परचेस किया, गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के एसेट लाइबिलिटी है वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, एंड आइटम्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये जैसे मैं आपको अदानी का दिखाया अभी, ठीक है, ये देखो अदानी का ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है, ये बैलेंस शीट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स के डिटेल्स होते हैं और लाइबिलिटीज की डिटेल्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब कंपनी का क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ओके सर, ये आपको आगे आगे मैं और डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि ये कंपनी लॉ में ना बार बार एनुअल रिपोर्ट खोलेंगे और आपको लॉ का इस्तेमाल दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एसेट लाइबिलिटी, अच्छा, आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 148 इन दिस केस ऑफ अ कंपनी व्हिच बिलोंग्स टू एनी क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर दैट सेक्शन, मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट भी वहां पर मेंशन है तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स माना जाएगा। तो देखो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक समरी बनाया गया है कंपनी एक्ट के अंदर, ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148 और अदर कंपनीज, अगर 148 के अंदर है आइटम्स ऑफ कॉस्ट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148 एंड सब सेक्शन 1, 2, 3, ठीक है, और अगर कोई दूसरा कंपनी के बारे में बात कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, सेल्स एंड परचेज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये सब बातें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बातें हैं सर, ठीक है। ब्रांच ऑफिस क्या होता है ये भी बोला है सर, व्हाट इज ब्रांच ऑफिस, सर ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू ए कंपनी मींस एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द कंपनी, अगर किसी कंपनी का कहीं पर कोई ब्रांच बना रहा है तो उसको कंपनी एक्ट ब्रांच ऑफिस कहेगा। कॉल्ड अप कैपिटल, जैसे आपको मैं अभी कुछ देर पहले ऑथराइज कैपिटल समझाया था, वैसे ही कॉल्ड अप कैपिटल का भी एक कॉन्सेप्ट आप लोग बचपन से यूज कर रहे हो। सर कॉल्ड अप का मतलब क्या, सपोज कोई कंपनी मार्केट से शेयर इशू कर रहा है, 1000 शेयर्स इशू कर रहा है और एक कंपनी का फेस वैल्यू है मानो 10 टका, ठीक है, 10 टका में से कंपनी बोल रहा है कि अभी 1000 शेयर्स में से आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मिला के होता है से फॉर एग्जांपल 5 टका, ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, लेकिन अभी भी आपका कॉल मनी जो है कॉल 1 या कॉल 2 जो भी है 5 टका भी बाकी है, तो कॉल्ड अप क्या हो गया, सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, जो पेमेंट करने के लिए आपको बोला गया वो होता है कॉल्ड अप, और जो बाकी है वो किसको क्या बोलेंगे, वो बेसिकली कंपनी का कॉल्ड अप के अंदर ही है बट अभी उसका पेमेंट बाकी है, ऐसे समझ के चल सकते हो, ठीक है, मतलब सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट, ठीक है। कई बार ऐसे होते हैं सर कि पूरा शेयर का पैसा नहीं दिया जाता शेयर होल्डर की तरफ से, कुछ बाकी रहता है, ये आप लोग बचपन में करते थे ना, अरे ये सब्सक्राइब ऑथराइज सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप करते थे कि नहीं करते थे अकाउंट्स में, यस सर, है ना, तो वही है चार्ज सर, एक चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, चार्ज का मतलब, चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स ए मॉर्गेज। कंपनी कई बार मार्केट से लोन इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, ठीक है, डिवेंचर इशू करते हैं या लोन इशू करता है, मतलब लोन लेते हैं, ठीक है, लोन लेते हैं, तो कंपनी क्या करते हैं, जो डिवेंचर होल्डर होता है कंपनी का, जो जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, कंपनी उस डिवेंचर होल्डर के अगेंस्ट में चार्ज इशू कर देते हैं अपने एसेट्स पे, मतलब अगर कभी कंपनी उनका पैसा वापस नहीं कर पाया तो उनको चार्ज तोड़ के जिस एसेट पे उनका चार्ज रहेगा वो उनको दे दिया जाएगा। मानो कि आपने किसी कंपनी को, किसी ABC लिमिटेड को आपने 1 लाख उधार दिया, ABC लिमिटेड आपसे उधार लिया, मतलब डिवेंचर इशू किया कंपनी ने और आपने कंपनी को, डिवेंचर क्या होता है, लोन होता है, तो डिवेंचर या लोन आप कंपनी को दिए कितना, 1 लाख, लेकिन आपने बोला कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो कंपनी आपके अगेंस्ट में क्या करेगा, चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है, आपके बिहाफ में, अगर कभी कंपनी आपका पैसा रिपे नहीं कर पाया तो 1 लाख का कोई एसेट सेम सिमिलर वैल्यूएशन का अगर कंपनी रिपे नहीं कर पाया तो आप उसको बाद में क्लेम कर सकते हो। बेसिकली एक तरह का मॉर्गेज हो गया ना सर, जैसे बैंक से लोन लेते हैं और बैंक हमें बोलते हैं कि मॉर्गेज रखो, अगर आपने लोन वापस नहीं कर पाया तो आपका प्रॉपर्टी हम ले लेंगे, ऐसा बैंक करता है कि नहीं करता, इसीलिए देखो यहाँ पर क्या बोला है, अंडरटेकिंग और बोथ एज ए सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। बात समझ में आ रहा है सर, डोंट वरी, इसका भी चैप्टर है, इसका भी डिटेल्स चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस,
बात करूंगा सर आपसे, ठीक है, पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। बेसिकली डिफिनेशन का चैप्टर है, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए ये चैप्टर लिया, ताकि आप लोग समझ पाओ कि क्या क्या इसके अंदर देखना पड़ता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट छोड़ दो, मैं ऑलरेडी बता दिया 1959 एक्ट की 1949, जैसे CS के बारे में 1980 और CMA जो है वो 1959, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर। CEO CFO कौन होते हैं सर? मींस एन ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु हैज बीन डिजाइंड और सच बाय इट, मतलब जैसे सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल, कल भारत ने उनको पद्म विभूषण दिया है ना सर, पद्म भूषण क्या दिया, पद्म विभूषण दिया ना सर, सुंदर पिचाई, सत्य नादेला, इन लोगों को अवार्ड दिया गया सर, पद्म विभूषण आई थिंक, ठीक है। CEO ऑफ गूगल, ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल कंपनी का CEO है पर दिल तो अभी भी भारतीय ही लगता है मुझे, ठीक है, और भारत के लिए गूगल की तरफ से काफी कुछ कोशिश कर रहा है करने का। अच्छा CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और CEO हैंड टू हैंड काम करते हैं, जैसे ये अदानी का रिपोर्ट चेक करते हैं। चलो ये देखो सर, नॉर्मली कंपनीज के केस में आप देखोगे यहाँ पर CEO नहीं देखोगे पर CFO जरूर देखोगे। नॉर्मली जो डायरेक्टर होते हैं ना सर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं वही CEO का काम कर लेते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेकिन CFO जो होते हैं ना ये स्पेशल काइंड ऑफ काम करते हैं। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट या CMA या फिर किसी MBA फाइनेंस को बिठाया जाता है, ठीक है, MBA फाइनेंस विद नॉलेज, हाँ मतलब कोई भी नॉर्मल MBA फाइनेंस नहीं रे बाबा, बड़े कंपनी में इसी अरे गहरे नेतृत्व करे को नहीं बिठाएगा, MBA फाइनेंस भी करेगा तो उसका नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज चार्टर्ड और CMA का नॉलेज होता है ये तो सर दुनिया को भी पता है। तो कोई फाइनेंस का नॉलेज रखने वाला जिसको फाइनेंस अकाउंट्स का ठोस नॉलेज हो वो नॉर्मली CFO बनता है कंपनी का, ठीक है, जो KMPs भी हैं, CS का तो कंपनी में अलग जगह है, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे कोई जरूरत नहीं है कि CS CMA का, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नाते उनके पास CS CMA का क्वालिफिकेशन जरूरी है, ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं, ठीक है, लॉ ऐसा नहीं बोलता, ठीक है, ठीक है। लॉ ऑडिटर के साइन के लिए CMA के पास जाने के लिए बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट करना है तो CMA के पास जाने के लिए बोलते हैं, नॉर्मल ऑडिट के लिए CA के पास जाने के लिए बोलते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए CS के पास जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कंपनी में CS का एक अपना अलग जगह बना के रखा है, लेकिन CFO के लिए कोई ऐसे बोला नहीं कि CA या CMA को ही रखना पड़ेगा, किसी को भी रख सकता है, ठीक है, किसी को भी रख सकता है। और ये भी देखना पड़ता है सर, नॉर्मल बात है कि किसी को भी रखना मतलब हर किसी को थोड़ी रखेगा, ठीक है, KMPs को ही रखेगा, ठीक है, तो जो चार्टर्ड होते हैं या CMA होते हैं, ठीक है, ऐसे देखो CMA नॉर्मली एनुअल रिपोर्ट वगैरह में साइन नहीं कर पाता, वो पावर उनको नहीं दिया गया है जो CA के पास है, लेकिन अगर कोई CMA अगर कोई CMA किसी कंपनी का KMP है, ठीक है, CEO या CFO का पोस्ट होल्ड करता है, ऐसे बहुत केस में आप देखोगे कि कंपनी का जो टॉप CEO या CFO है वो CMA होल्ड करते हैं, जैसे चार्टर्ड तो करते ही है, चार्टर्ड का तो जगह है ही, ठीक है, चार्टर्ड तो है ही, लेकिन CMA नॉर्मली एज ए जॉब पोस्ट में उनको कुछ मतलब लीगल अथॉरिटी कुछ चीजें CMA के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी का CEO या CFO बन के काम कर देता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो कंपनी का KMPs भी हो जाता है, की मैनेजरियल पर्सनल, कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे लोगों को KMPs के अंदर रखता है, ठीक है, तो ये CEO CFO दीज आर बेसिकली KMPs, ओके, साथ में कंपनी सेक्रेटरीज ऑल्सो वो भी है KMP, की मैनेजरियल पर्सनल, मतलब समझते हो ना, कुछ गड़बड़ होगा तो आप ही लोगों को लेके जाएगा और जेल में घुसाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सर? अरे बोलो। यस सर कंपनी एक्ट कंपनी का क्या डेफिनेशन देता है, मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एग्जांपल के तौर पे एक बहुत अच्छा बात किया, रिलायंस 1973 में आया है, तो उस टाइम पे तो 1956 एक्ट हुआ करता था, है ना, 1973 में जब रिलायंस आया, रिलायंस इंडस्ट्री, तब 1956 एक्ट था। टाटा स्टील जो 1907 में आया है, आपको मैं इसका कहानी बोला था ना स्वामी विवेकानंद के साथ बात करने के बाद, हाँ सर, जमशेदजी टाटा ने किस तरह से टाटा को बनाया था, 1907 में टाटा स्टील आया था सर, उस टाइम पे उन दिनों जो कंपनीज एक्ट हुआ करता था वो वाला कंपनीज एक्ट भी
लागू हुआ था, लेकिन अगर उस टाइम पे वो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर लागू हुआ था तो मान दिया जाएगा कि वो भी 2013 में भी कंपनीज एक्ट में है, ठीक है। इन्फोसिस 1981 में आया, और 1981 में इन्फोसिस जब आया, नारायण मूर्ति साहब, हाँ सर आप लोग जानते हो ना नारायण मूर्ति साहब को? यस सर। क्यों सर? फायदा था उन दिनों, हाँ इसको तो बहुत अच्छे से पता है, नारायण मूर्ति के नाम से ही सुधा मूर्ति याद आ जाता है रोशनी को, क्योंकि सुधा मूर्ति इज अ वेरी फेमस ऑथर सर, और रोशनी सुधा मूर्ति जी का फैन है, सही तो रोशनी है? यस 19 नहीं, ये तो वेरी गुड पर्सनालिटी। मैं सुधा मूर्ति जी को सुनता हूँ, कभी किताब इतना नहीं पढ़ा मैं उनका, बट जब भी उनका बात सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को हम्बल होने के लिए बोलते हैं, डाउन टू अर्थ होने के लिए बोलते हैं, और एक चीज़ उनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई नॉलेजेबल है, अगर कोई पैसा वाला है और नॉलेज के साथ पैसा बनाया है, तो एक बात है सर कि नॉलेज किसी को अहंकारी नहीं बना सकता, नॉलेज इंसान को हम्बल बनाते हैं। और जब देखना कि नॉलेज है, डिग्री है और अहंकार कर रहे हैं, मतलब सोच लेना कि वो नॉलेज नहीं, वो हवा है, हवा। तो यही एक कॉन्सेप्ट एक बार मैं सुन रहा था सुधा मूर्ति जी से, मतलब इस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ऐसे ही नहीं बोल रहा था, उनका कहने का तरीका अलग होता है, बट समरी कुछ ऐसा ही था, मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चे के परवरिश के बारे में बहुत अच्छे अच्छे बात करते सुधा मूर्ति जी, कि बच्चे को किस तरह से परवरिश देना चाहिए, कैसे अपना ड्रीम को बच्चा फुलफिल कर सकता है, फोर्स कैसे नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा बात करते हैं, लोग सुनते भी हैं उन्हें। बट सुनने से क्या होगा, जो वही सुनते हैं जिसके अंदर समझ होता है। मुश्किल तो यही है कि समझने वाला लोग बहुत कम है सोसाइटी में। अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, सर ये कौन होते हैं लिमिटेड बाई गारंटी? हाँ ये बहुत ही फेमस बातें हैं, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का एक अलग ही डिस्कशन हुआ है सर, 5-7 क्लास है उसमें, मैं सबको शेयर करूंगा, उसमें मैं बहुत डिटेल्स में ये सब बात करके रखा, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, लिमिटेड बाई शेयर्स, ठीक है। बस इतना अभी समझ लो कि लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब होता है, बड़ा ही फेमस डेफिनेशन है, मीन्स ए कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाई द मेमोरेंडम और सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वुंड अप। मतलब कुछ ऐसा बात है सर, अगर आप किसी कंपनी का मेंबर बनते हो, मतलब शेयर होल्डर बनते हो, और आप कंपनी के साथ एक ऐसे मेमोरेंडम साइन करते हो, मेमोरेंडम कुछ ऐसा है कि जब कंपनी वुंड अप होगा, जब कंपनी बंद होगा, बंद के टाइम पे, ये लिमिटेड बाई गारंटी जो है ये बंद के टाइम पे, कंपनी जब वुंड अप होगा या लिक्विडेट होगा, उस टाइम पे अगर कंपनी का कुछ भी मार्केट में लाइबिलिटी वगैरह रहेगा, ठीक है, वो लाइबिलिटी में कुछ गारंटी लेगा कुछ मेंबर्स, मतलब कुछ ओनर्स या शेयर होल्डर्स। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर मे रेस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ बीइंग वुंड अप। जब कंपनी बंद होगा उस टाइम पे कुछ गारंटी लेता है कि अगर कंपनी का कुछ लाइबिलिटी होगा तो जो भी उस टाइम पे उन्होंने मेमोरेंडम में लिखा है वुंड अप के टाइम पे वो कंट्रीब्यूट करेगा। नॉर्मली जो प्रोमोटिंग ग्रुप में होते हैं वही लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट में आते हैं, और जो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी होते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली मेंबर्स को इस तरह का बात करते हैं कि भाई वुंड अप के टाइम पे आप इतना लाइबिलिटी ले लीजिएगा, ठीक है, तो उसका साइन करवा लेते हैं। अदरवाइज कंपनी नॉर्मली ज्यादातर जो दिखता है वो ऐसा है सर, लिमिटेड बाई शेयर्स। कोई कोई कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स भी होते हैं, लिमिटेड बाई गारंटी भी होते हैं, ठीक है, और कोई कोई कंपनी ऐसे भी होते हैं सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला, ठीक है। अब लिमिटेड बाई शेयर्स क्या होता है? हाँ सर, लिमिटेड बाई शेयर्स का मतलब कोई बताएगा क्या? यस सर। बोलो सर। लिमिटेड बाय शेयर सर वो क्या कहता है, मेमोरेंडम में उन आदमियों का होल्ड रहता है ना शेयर के, मतलब अगर अगर वुंड अप के टाइम जितना भी होता है तो जिन लोगों मेंबर वो शेयर से लिमिटेड रहते तो वो लोग उतना पेमेंट करेंगे। नहीं, वुंड अप के टाइम पे नहीं, लिमिटेड बाय शेयर्स के साथ वुंड अप का कोई कनेक्शन नहीं। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये हो गया कि अगर मार्केट में कंपनी का कोई लायबिलिटी होगा तो सारा का सारा लायबिलिटी मेंबर्स पे नहीं आएगा, उतना लायबिलिटी मेंबर्स देगा जितना लायबिलिटी के लिए वो वादा करके रखा है, इसके साथ उंडब का कोई कनेक्शन नहीं।
ठीक है, उंडा मतलब जितना वादा कर रखा, अगर अनलिमिटेड होता तो आपके घर से भी आपको भर के देना पड़ता, जहां से ला के तो देना पड़ेगा, पर अगर मतलब एक टाइप का वही हो ना, मतलब जो क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा तो जितना शेयर तक लिमिटेड है उतना ही आप दे सकते हो। हाँ, मतलब इसका थोड़ा मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। से फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड मार्केट से 1 करोड़ का लोन लिया, ठीक है, और लोन रिपे करने में वो नाकाम हो रहा है, ठीक है। कंपनियाँ, जैसे आप लोगों को पता है सर, ये बेसिक सब कंपनी लॉ का जो टॉपिक है ना, जो मैं अलग से पढ़ा के रखा या फिर बाद में आप सभी को मैं शेयर कर लूँगा जिनका बेसिक नहीं हुआ है। इतना समझो कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मतलब कंपनी जैसे ही बन जाता है ना, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। क्या बन जाता है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग और उसका मेंबर अलग, ठीक है। अब अगर कंपनी अलग है, कंपनी ने अगर लोन लिया तो कंपनी उसको रिपे करेगा, मेंबर क्यों रिपे करेगा? मेंबर उतना ही रिपे करेगा सिर्फ जितना रिपे करने का वो वादा किया है, मतलब जितना शेयर्स का वो हकदार है। मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेंबर एंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। सी फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी को वादा किया था 10% फेस वैल्यू पे कंपनी का 10,000 शेयर्स आप होल्ड करो, ठीक है। 10,000 में से, सी फॉर एग्जाम्पल, आपने कंपनी को 8 रुपीज करके दे के रखा, ठीक है, मतलब 80,000 आपने कंपनी को दे के रखा, लेकिन 2 रुपीज अभी भी बाकी हैं। तो जब कंपनी को जरूरत होगा लाइबिलिटी के लिए, 2 रुपीज जो बाकी है ना सर, वो 2 रुपीज आपको देना पड़ेगा, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं दोगे, ठीक है, जितना आपने मेमोरेंडम में वादा करके रखा था कि भाई इतना मेरा जितना है उतना तो मुझे देना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। अगर कुछ अनपेड अमाउंट है, जैसे 2% अनपेड है, या अनपेड अमाउंट उसको देना पड़ेगा जब कंपनी का लाइबिलिटी मार्केट में क्रिएट होगा, ठीक है, लेकिन 1 पैसा ज्यादा नहीं देगा। अगर मार्केट में कंपनी का बहुत ज्यादा लोन हो गया तो कंपनी के एसेट से लेगा, किसी मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी में हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है ना सर। लिमिटेड बाई शेयर्स के बारे में बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का जो अलग डिस्कशन हुआ है, ये तो मैं डेफिनेशन का चर्चा के अंदर बता रहा हूँ, उसके अंदर ऐसा बोल मतलब डिटेल्स में कहा गया है सर। आप लोग जरूर एक बार बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ को गो थ्रू कीजिएगा, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। कंपनी समझ में आया रे? जैसे एग्जाम्पल देखो, या शेयर होल्डर्स हु हैज पेड ₹75 ऑन ए शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100, ठीक है, शेयर का फेस वैल्यू है 100 करके, उसने 75 दे के रखा है, कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे दी बैलेंस ऑफ ₹25 ऑनली। जब जरूरत पड़ेगा कंपनी को लाइबिलिटी के टाइम पे स्पेशली, वो ₹25 देने के लिए उनको बुलाया जाएगा, तो लिमिटेड बाई, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मांग सकता। मतलब कंपनी का लाइबिलिटी है, कंपनी का एसेट बेचो, किसी शेयर होल्डर या मेंबर का एसेट नहीं बेचने देंगे, उतना ही बेचने देंगे जितना लाइबिलिटी उसने रीपे नहीं किया, उतना जरूर लेंगे। बात समझ में आ गया सर सबको? लिमिटेड बाई शेयर्स एंड लिमिटेड बाई गारंटी। लिमिटेड बाई गारंटी नॉर्मली उंड आपके टाइम पे आता है, उससे पहले नहीं। बोलो सर, बोलो। सर बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो यस सर, सर सर, कंट्रीब्यूटरी कौन होते हैं? मीन्स ए पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग उंड अप। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट ए पर्सन होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स, जो कंपनी का पूरा फुल्ली पेड करके शेयर रखा है, शैल बी कंसीडर्ड एज ए कंट्रीब्यूटर, मतलब कोई बाकी नहीं है, ठीक है, लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग उंड अप, ठीक है, जब उंड अप होगा तब भी वो कंट्रीब्यूट करेगा, और नॉर्मली उसका फुल्ली पेड अप शेयर्स कंपनी के पास दिया हुआ है, ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूटरी कहते हैं। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल सर इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय ए पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग बाय वर्चू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स और शेयर होल्डर एग्रीमेंट और वोटिंग एग्रीमेंट और इन एनी अदर मैनर। इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन एंड रिलेवेंट फॉर द प्रोविजन रिलेटेड टू सब्सिडियरी एंड होल्डिंग कंपनीज। मतलब जब किसी कंपनी को किसी और कंपनी में कंट्रोलिंग आता है, राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग बाय वर्चू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट राइट्स। जैसे आपको अभी मैं बता रहा था ना, टाटा बिग बास्केट में 65% शेयर होल्ड करके रखा है, अभी दिखा रहा था कुछ देर पहले, तो उसके कंट्रोलिंग किसके हाथ में होगा? टाटा के हाथ में होना चाहिए,
ऐसे बिग बास्केट अलग एंटिटी था, अभी भी अलग ही है, लेकिन क्योंकि टाटा ने उस पर कंट्रोलिंग ले लिया, सब्सिडियरी होल्डिंग हो गया, तो टाटा कंट्रोल करेगा कि कौन मैनेजमेंट में बैठेगा, ठीक है, कौन कंपनी को डायरेक्टर कौन होगा, क्योंकि उसका मैनेजमेंट राइट्स एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में बदलाव आ गया है, वोटिंग एग्रीमेंट में बदलाव आ गया है, तो उसको कंट्रोलिंग कहते हैं सर। जैसे फ्लिपकार्ट में आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारा स्टोरी छुपा हुआ है हर एक बात में, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट जानते हो ना सर, ये स्टॉक मार्केट में नहीं है, प्राइवेटली है, नॉलेज है, नॉलेज है ना सर आपको फ्लिपकार्ट का, फ्लिपकार्ट का होल्डिंग किसका है बोले तो? वॉरेन बफेट। फ्लिपकार्ट में वॉरेन बफेट कहां से आ गया? पेटीएम में होल्डिंग में सर, फ्लिपकार्ट में होल्डिंग है? नहीं, वॉरेन बफेट नहीं है, वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट है, सॉरी सर, वो नेम में थोड़ा कंफ्यूजन। वॉलमार्ट एक कंपनी है, वॉरेन बफेट एक इंडिविजुअल है। ऐसे वॉरेन बफेट का एक कंपनी है बॉक्सर हाथवे, ठीक है, उसके थ्रू से वॉरेन बफेट करता है। ये देखो सर, ये फ्लिपकार्ट है अपना, ठीक है, फ्लिपकार्ट है। ऐसे तो कंपनी को बनाने वाला है सचिन बंसल और विनी बंसल, दो दोस्त है, भाई नहीं। हाँ, ऑपरेशन हेडक्वार्टर कर्नाटका बैंगलोर में है, बट कंपनी का लीगल डोमिसाइल जो रजिस्टर्ड हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, रजिस्ट्रेशन बैंक सिंगापुर में हुआ था, मतलब इसका जो भी कोर्ट ऑफ फैक्ट है वो सिंगापुर में होगा, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू से आया था इसीलिए, ठीक है। इसका सीईओ करेंटली है कल्याण कृष्णमूर्ति जो केएमपी है, 43,000 करोड़ का इसका ही है। ओनर देखो वॉलमार्ट 82%, वॉलमार्ट 82% शेयर होल्डिंग करने के बाद इसका बोर्ड में से सचिन और विनी दोनों गायब। अभी सचिन विनी कोई बोर्ड में नहीं, कोई दूसरा लोग, वॉलमार्ट का लोग इसको मैनेज कर रहा है। टेंसेंट का 5%, टाइगर ग्लोबल अमेरिका का 4.87, विनी बंसल का 3.25, माइक्रोसॉफ्ट का 1.46, क्यूआईए का 1.43, एसएल का 1.32, बाकी मिला जुला के 0.47। सचिन ने मोस्ट प्रोबेबली छोड़ दिया फ्लिपकार्ट, सचिन फ्लिपकार्ट छोड़ दिया, अपना जो भी शेयर है उसको लेके वो छोड़ दी, बनाया था सचिन और विनी मिलके ही बनाया था, दोनों फॉर्मर अमेजन है सर, फॉर्मर अमेजन एम्प्लॉय, इन्होंने ही बनाया था। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसका मेजोरिटी है वॉलमार्ट के हाथ में जो अमेजन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और यूएस का बहुत ही बड़ा ग्लोबल जायंट, बिग बाजार जैसा कंपनी है ना, बहुत बड़ा, दुनिया को ये शॉपिंग मॉल कॉन्सेप्ट वॉलमार्ट नहीं दिखाया, ठीक है, अमेजन से भी पहले मार्केट में बिजनेस कर रहे वॉलमार्ट, तो उसी को कम्पीट करने के लिए फ्लिपकार्ट का हाथ था, ताकि वो अमेजन को कम्पीट कर पाए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बातें? इस तरह से कंट्रोलिंग भी जाता है सर, ठीक है, ठीक है सर। आज मैं और बाकी पॉइंट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेशन समझने के लिए या रीड करने के लिए आप लोगों को होमवर्क में बता रहा हूँ सर, डेफिनेशंस है, मस्ट ग्रो थ्रू, ठीक है, गो थ्रू कीजिएगा, डिवेंचर, डायरेक्टर, डिविडेंड, डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक्सर्व, एक्सपर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एज पर सब कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोला हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ऐसे मैं कुछ कुछ बता दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेमोरेंडम, नेट वर्थ, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 93 आपको डेफिनेशन मिलेगा, जरूर देखिएगा सर, और देखने के बाद नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस भी कीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस ऐसे भी करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ से डिस्कस करूंगा आप लोगों से, लेकिन आप लोगों से एक होमवर्क है सर कि सारा डेफिनेशन घर में जरूर एक बार गो थ्रू कीजिएगा, अगर किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट रहे यू मस्ट आस्क मी, करोगे ना, घर में डेफिनेशन पढ़ोगे ना? यस सर, सभी को बोल रहा हूँ, यस सर, ठीक है, तो प्लीज सर एक बार अच्छे से घर में डेफिनेशन पढ़िए और क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा और एक फ्रेश चैप्टर मैं नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कंपनी इनकॉर्पोरेशंस के बारे में, फिर उसके बाद बात करने जाऊंगा सर प्रॉस्पेक्टस, फिर धीरे धीरे और भी एडवांस लेवल चैप्टर्स हैं जो आपके साथ धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बिफोर दैट अच्छे से ये डेफिनेशन चैप्टर को, एक्सटेंड को, प्रीलिमिनरी को अच्छे से रेडी करो सर, ठीक है, कोई डाउट हो पूछिएगा, अभी कोई डाउट है क्या, किसी के मन में कोई सवाल है क्या? अभिषेक, नंदिनी, नील, प्रियाक्षी, बोलो सर,
ओके सर, ठीक है, मैं नोट शेयर कर लूंगा आप लोगों से, ठीक है, नोट शेयर कर लेता हूँ, कुछ देर में आप लोग घर में गो थ्रू करिएगा, ठीक है, ओके सर, फिर गुड नाइट, टाटा, बाय सर, गुड नाइट दादा, टाटा सर, टाटा, बाय सर, बाय सर, बाय बाय, बाय सर, बाय सर, बाय.